कि आप जानते हैं, सभी को विदित है, आज पूज्य डिखरे स्वामी जी महाराज हम सबको अमेरिका ले जाने वाले हैं प्रवचन के माध्यम से। तो कार्यक्रम में सबसे पहले मैं पूज्य स्वामी इष्टमयान जी महाराज को विनती करूंगा, वो प्रास्ताविक उद्बोधन करेंगे। ओम जननीम शारदाम देवी रामकृष्णं जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहु। आप सब लोगों को तो विषय मालूम ही होगा क्योंकि मैसेज सबको दिया गया था, और जैसे कि अभी बताया है कि महाराज की जो ये 4 अक्टूबर से 31 अक्टूबर अमेरिका में उनकी 5वीं यात्रा हुई है। वैसे अमेरिका की 5वीं हुई है, भी बहुत बार अलग अलग देशों में महाराज का जाना हुआ है। हमारे सबके लिए आज सौभाग्य की बात यह है कि महाराज ऐसे भी वडोदरा आने वाले थे, तो उनको हमने पूछा कि अगर आप रविवार के समय आना अनुकूल करेंगे तो भक्तों को भी इसमें लाभ मिलेगा। खास तो ये भारत के बाहर की जितने देश है, भूमि है, वहाँ पे किस तरह से रामकृष्ण विवेकानंद के विचार लोग ग्रहण कर रहे हैं, कैसे उनके मन में धीरे धीरे अपने जो सनातन धर्म है, अपने जो शास्त्र है, खास तो रामकृष्ण देव के जो उपदेश है उनकी तरफ किस तरह से आकृष्ट हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि महाराज इज़ द फिट पर्सन, क्योंकि 5 बार उनका तो खाली अमेरिका में जाना हुआ है, बाकी भी जगह पे गए हैं उन्होंने, तो हमको एक एक बृहद उनके माध्यम से हमको ये सुनने को मिलेगा। और साथ साथ अलग अलग जो रामकृष्ण मिशन के सेंटर है, तो इस टाइम महाराज PPT के माध्यम से कुछ उसके बारे में बताएंगे। तो जैसे कहा कि अमेरिका का दर्शन होगा, तो अमेरिका में जितने जितने जगह पे स्वामी विवेकानंद या फिर रामकृष्ण मिशन की जो शाखा है, या कुछ जगह जहाँ पे भक्त लोग मिलके कुछ सत्संग कर रहे हैं, ऐसे जगह पे महाराज गए थे, तो वहाँ पे महाराज ने कुछ प्रवचन दिए है। बहुत संख्या महाराज कितनी हुई टोटल संख्या थी? हाँ, ये 4 से 31 के समय में ट्रैवलिंग का पूरा अगर समय पकड़ते तो उसमें महाराज ने तो लगभग 21 प्रवचन वहाँ दिए है। मतलब लगभग पर डे 1 लेक्चर उनका हो रहा है। बहुत ही हेक्टिक हुआ होगा टूर, वैसा तो महाराज का रोज़ का ही टूर। आज भी सुबह महाराज अहमदाबाद में एक प्रवचन था, वो पूरा करके अहमदाबाद सेंटर से निकले, तो मैंने 4 बजे फ़ोन किया, महाराज अभी तक आए नहीं। मुझे लगा शायद महाराज विश्राम भी कर रहे होंगे, मतलब मैं अभी तक हाईवे भी नहीं पहुंचा हूँ, पर मैं 6:30 बजे तक आने की कोशिश करूँगा। तो आज भी सुबह अहमदाबाद का प्रोग्राम करके आए, 6:30 बजे पहुँचे, और आप सब लोगों के साथ आज उपस्थित है। तो आश्रम की तरफ से मैं उनका स्वागत करता और पूज्य मायती तरन जी महाराज को विनती करता हूँ कि महाराज को पुष्प माल्या अर्पण करें। मैं इधर ही आएंगे, मैं ये सब लोग देख सकते हैं। महाराज जी को हम विनती करते हैं कि उनका जो ये उनकी 5वीं अमेरिका यात्रा का जो संस्मरण है, हम सब लोगों को उसके बारे में अवगत करें। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयति राजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, श्री माँ शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद की कृपा से हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आपने अभी लोग सुना, अमेरिकन यात्रा के संस्मरण सुनाने की बात है। इसके पूर्व जब मैं आया था तब शांति प्राप्ति के उपाय इस पर एक प्रवचन हुआ था, और तब मैं अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा था, तभी
यह कहा गया था कि लौटने के बाद आपको प्रवचन यहाँ देना है, तो ये पेंडिंग था बहुत टाइम से। तो अभी बड़ौदा के कुछ डिवोटी आए थे दिवाली के समय, उन्होंने याद दिलाया कि वो प्रवचन का क्या हुआ, अभी तो एक महीने से आप आ गए हैं, अभी तक आपका बड़ौदा में आगमन नहीं हुआ। तो ये एक और कारण था, और दूसरा भी एक अहमदाबाद में भी आज सुबह लेक्चर था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा एक्सटेंशन करके आज रविवार को ही सुबह वहाँ पर था। तो इस प्रकार से भगवान श्री रामकृष्ण देव माँ शारदा देवी स्वामी की कृपा, स्वामी विवेकानंद की कृपा से आज यह संभव हो पाया है। अत्यंत व्यस्तता के बीच में भी कुछ समय निकाल करके आपके पास आया हूँ। तो यह जैसा कि उस दिन भी मैंने बताया था कि अमेरिका में 5 तारीख को जाने की बात थी, तो भूमिका के रूप में आप लोगों सबको यह पता है, इवन छोटा बच्चा भी जानता है कि स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ बोलो तो दूसरा कुछ बोल नहीं पाएगा, एक बात तो अवश्य बोलेगा कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्वधर्म सभा में भाषण दिया था और 7,000 लोग खड़े होकर के 2 मिनट तक ताली बजाए थे जब सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका उन्होंने कहा था। ये कोई भी बच्चा भी बोल देगा, पूरे गांव में कोई भी गांव में आप जाइए, स्वामी विवेकानंद का, हाँ स्वामी विवेकानंद का जानते हो, बोले क्या जानते हो, अरे वो शिकागो विश्वधर्म सभा में सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका बोले थे और सब लोग खड़े होकर के 2 मिनट ताली बजाए थे, ये सभी लोग बताएंगे। तो अभी लेटेस्ट रिसर्च ये है कि 2 मिनट ताली नहीं बजी थी, वो डॉक्टर हेनरी बैरोज जो चेयरमैन हैं उन्होंने 2 बड़े बड़े वॉल्यूम प्रकाशित किए हैं, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स जो हुई उसका रिपोर्टिंग उन्होंने किया, 2 बड़े वॉल्यूम है। तो उसको देखने का मौका मिला जब मैं अद्वैत आश्रम मायावती गया था, वहाँ पर लाइब्रेरी में था, उसमें ये कहा है कि व्हेन स्वामी विवेकानंद हिंदू मॉन्क स्टूड अप ऑल द पीपल स्टूड अप व्हेन ही कॉल्ड व्हेन ही सेड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका ऑल द पीपल स्टूड अप एंड दे अप्लॉडेड एंड द अप्लॉज लास्टेड फॉर ए फ्यू मिनट्स, 2 मिनट्स नहीं कहा, फॉर ए फ्यू मिनट्स। वैसे तो 2 मिनट भी बहुत होता है, हम लोगों ने एक युवा सम्मेलन था तो उसमें हमने एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा भाई, युवा भाई लोग, अभी आप सोच लीजिए आप अमेरिका में हैं, इंडिया में नहीं हैं, और अभी आप लोग कोलंबस हॉल में हैं, ये विवेक हॉल नहीं है, कोलंबस हॉल है, और यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का जो बड़ा चित्र है, स्वामी विवेकानंद खुद खड़े हैं और स्वामी विवेकानंद ने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहा है। अभी आप लोग को खड़ा होकर के वो जो उस समय जो उन्होंने जो ताली बजाई थी उतना 2 मिनट ताली बजाना है, तो सब लोग उठ करके ताली बजाने लग गए। 1 मिनट ताली बजी, ताली बजाए, उसके बाद थक गए। मैं बोला देखो तुम लोग को बोलते हैं फिर भी 1 मिनट से ज्यादा ताली नहीं बजा रहे हो, और वो 2 मिनट अपने आप ताली बजाए, और डॉक्टर हेनरी बैरोज बोलते हैं कि कई मिनटों तक ताली बजी, तो कैसा मैस्मरिज्म इफेक्ट हुआ होगा। तो बचपन में जब ये बात सुनी थी उसी समय, उस समय मन में कल्पना भी नहीं थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं उसी जगह खड़ा रहूँगा जहाँ पर स्वामी विवेकानंद खड़े थे, उसी आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में, और ये उन्होंने प्रवचन दिया था। पर वो संभव हुआ 2010 में, ये मेरी पहली यात्रा थी अमेरिका की। 2010 में 19th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन वेदांता मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में थी, उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया था, फिर कई और संस्थाओं ने निमंत्रण दिया। तो हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि जब हमको विदेश जाना पड़ता है तो हमारे हेडक्वार्टर्स की परमिशन लगती है, इंडिया में भारत में कहीं भी हम जा सकते हैं। तो मैंने परमिशन ली, परमिशन उन्होंने दी, और फिर मैं, वो मेरी पहली यात्रा हुई। और उस समय जब हमारे भोगीलाल भाई हैं, अभी बड़ौदा में ही हैं, आ गए ना, तो यूके में रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं कुछ कुछ समय, वो उस समय वहाँ पर आए हुए थे बड़ौदा में, बड़ौदा में यहीं पर आए हुए थे अमेरिका से। उनको जब पता लगा तो उन्होंने कहा, स्वामी जी जिस प्रकार से मैंने आपको अपनी कार में पूरा यूरोप की यात्रा कराई थी 2004 में, अभी मैं आपको पूरी अमेरिका की यात्रा कराऊँगा, अब इसको आप क्या बोलेंगे। मुझे तो पता नहीं था, मैं तो केवल मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में जाना चाहता था एक लेक्चर देने के लिए और 2-3 और जगह पर, तो मुझे ये पॉसिबल, और वहाँ पर तो यात्रा इतनी कठिन है और इतनी कॉस्टली है आप सोच नहीं सकते हैं, यहाँ के रेट्स
एयरफेयर और यहाँ के ट्रेन के ट्रेन फेयर आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग डॉलर में सब पेमेंट करते हैं, हम लोग रुपीज़ में करते हैं। तो ये तो एक स्वप्न मानो जैसा मेरा पूरा हो गया। तो भोगीलाल भाई बोले कि मैं आपको सब जगह ले जाऊँगा। तो एक मन में इच्छा थी, दबी हुई, कि जहाँ जहाँ स्वामी विवेकानंद अमेरिका में गए थे, तो आपको जैसा मालूम है कि वहाँ पर 11 सितंबर 1893 में स्वामी विवेकानंद जी अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स अमेरिका कहा था, केवल 472 शब्द बोले थे, क्योंकि 5 मिनट सबको दी गई थी, केवल कुछ लोगों को ही दी गई थी, सब लोगों को नहीं गई थी। ये जो इनॉग्रल सेशन में सबको नहीं, बाकी तो 7 दिन तक चली, तो कई लोग सब लोग कुछ कुछ बोले, पर पहले दिन केवल इन्हें चिने के लोगों को ही 5 मिनट मिली थी। उसमें स्वामी विवेकानंद को 5 मिनट मिली, उसमें 2 मिनट तो ताली बजाने में चली गई, बची 3 मिनट, वो 3 मिनट में उन्हें 472 वर्ड्स, 500 भी शब्द पूरे नहीं बोले, और पूरा तहलका मचा दिया, पूरा इतिहास निर्माण कर दिया, सारे विश्व में भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति का झंडा ऊंचा कर दिया, सनातन धर्म का झंडा ऊंचा कर दिया। मानो इट वॉज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाई इंडियन स्पिरिचुअल कल्चर। समस्त विश्व पर भारत पर भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति द्वारा विजय, विश्व विजय, उसकी जो कल्पना स्वामी विवेकानंद ने की थी कि वो फिर से पुनः विश्वगुरु बनेगा, उसका प्रथम स्टेज चरण यही हुआ जिस दिन स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया। दूसरे दिन समाचार पत्रों में एकदम बड़े बड़े रिपोर्ट, फ्रंट पेज में स्वामी विवेकानंद के फोटोग्राफ, गलियों में स्वामी विवेकानंद के पोस्टर हो गए। रातों रात, एक रात में, अभी 9 सितंबर को तो वो वहाँ शिकागो आए ट्रेन से, और एड्रेस खो गया था, किसी को पूछा तो वहाँ सब जर्मन चाहते थे, और जर्मन जानते थे, इंग्लिश नहीं जानते थे, वो जर्मन नहीं जानते थे, तो कोई कुछ बोल नहीं पाया, ठंड बहुत होती शिकागो में। तो फिर उन्होंने एक बॉक्स कार में सारी रात बिताई, ये तो हम लोग सब जानते हैं। ये 9 तारीख की बात है, और 10 तारीख को सुबह कई जगह पर गए, सब जगह दरवाज़ा खटखटाया कि मुझे थोड़ा खाने को दो, कुछ कोई, सब लोग जो बटलर आकर के भगा देता था, गेट आउट गेट आउट गेट आउट। आखिरी में इतने थक गए, सुबह से खाया नहीं, दो दिन से खाया नहीं, और इतनी ठंड, और उनके पास पूरे कपड़े भी नहीं थे। तो फिर वहाँ पर एक चर्च है, उसके नीचे एक पेड़ के नीचे बैठ गए, चलो भगवान तुम्हारी इच्छा है कि मैं यहाँ पर अपना शरीर त्याग दूँ अमेरिका में, भगवान तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, ये करके बैठे। और तुरंत सामने की खिड़की से एक महिला ने देखा कि एक अलग अजीबोगरीब ड्रेस वाला एक कोई आदमी बैठा है, तो नीचे आकर के उतरी, रोड क्रॉस किया, और फिर पूछा, आर यू डेलीगेट टू द पार्लियामेंट रिलीजियस? स्वामी विवेकानंद का, यस, बट आई हैव लॉस्ट द एड्रेस, डोंट वरी, आई नो द एड्रेस ऑफ द पार्लियामेंट रिलीजियस, आई विल टेक यू। स्वामी जी ने कहा, देखो ये ठाकुर ने कैसे भेजा, अभी मन में विचार ही आया था, चलो अब मर जाना है, चलो। और तुरंत वो उसने महिला ने कहा, मिसेस हेल, और बाद में तो फिर हेल परिवार उनका मानो हेडक्वार्टर ही बन गया शिकागो में। अमेरिका में जब भी आते थे, पूरी पोस्ट वो लोग मिस हेल परिवार में मंगाते थे, और ये इनको, इनके हस्बैंड जो थे मिस्टर हेल को, वे फादर पोप कहते थे, और मदर को मदर चर्च कहते थे, और उनकी 2 बेटियां थी और 2 भतीजियां थी, इनको वो सिस्टर्स कहते थे, वो दोनों को बहन कहते थे। तो ये सब चारों के भाई हो गए स्वामी विवेकानंद, और वहाँ पर घनिष्ठ परिवार में रहते थे, ये सब तो कहानी आप जानते हैं। तो फिर वहाँ पर इतने पॉपुलर हुए कि 3.5 वर्षों तक स्वामी जी वहाँ रहे। फिर जनवरी में 1897 में वापस आया और पूरे भारत को जगाया, उठो जागो, ध्येय प्राप्ति तक, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, ये उन्होंने मंत्र देकर के सारे भारत को जगाया, ये सब हम जानते हैं। तो ये 3.5 वर्षों में रहे, उसमें उन्होंने पूरे विश्व को एक बहुत बड़ा खजाना दे दिया, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग पर के उन्होंने प्रवचन दिए, वेदांत का अमृत पिलाया सब लोगों को, जो आज हमको बहुत आवश्यकता है। ये कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद में आप देखेंगे, जितने प्रवचन हैं अधिकांश प्रवचन अमेरिका में दिए हुए हैं, आप देखेंगे नीचे लिखा होगा, स्पीच डिलीवर्ड इन शिकागो, स्पीच डिलीवर्ड इन न्यूयॉर्क, स्पीच डिलीवर्ड हियर, ऐसा फुटनोट में लिखा रहेगा। तो ये अमेरिका, अब स्वामी विवेकानंद का जीवन में अमेरिका का बहुत बड़ा महत्व है, रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा में अमेरिका का एक बहुत बड़ा महत्व का स्थान है,
और कई ऐसे स्थान हैं जहाँ स्वामी विवेकानंद रहे, वो अभी भी वहाँ पर है। कुछ लोगों को कुछ जैसे वहाँ मेमोरियल बनाया गया, जैसे गुजरात में 3 स्थानों को मेमोरियल बनाया गया है, वहाँ पर भी अमेरिका में 3 स्थानों पर मेमोरियल बन गए हैं। एक रिजली मैनर जहाँ स्वामी जी 10 सप्ताह रुके थे, न्यूयॉर्क से 3.5 घंटे का वो ड्राइव है। दूसरा साउथ पेसिडेना, वहाँ भी स्वामी जी 10 सप्ताह रहे थे, वो सैन फ्रांसिस्को में है, वो हॉलीवुड से लॉस एंजल्स में है, अभी हमारे हॉलीवुड सेंटर के अंतर्गत वो सब सेंटर है। और ये रिजली मैनर भी हमारे हॉलीवुड सेंटर का सब सेंटर है। और एक सेंटर है थाउजेंड आइलैंड पार्क, जहाँ स्वामी जी ने कहा था मैंने आई गेव माई बेस्ट एट थाउजेंड आइलैंड पार्क, केवल 12 लोगों को उन्होंने इंस्पायर टॉक्स, जो किताब उन्होंने दी है वो सभी इंस्पायर टॉक्स से है, वो थाउजेंड आइलैंड पार्क, वो अभी न्यूयॉर्क सेंटर में अंडर में है। तो ये सब देखने की बहुत इच्छा थी, तो इच्छा पूर्ण हो गई ठाकुर माँ स्वामी जी की कृपा से और भोगी भाई की, वो उन्होंने जो ऑफर की उसके कारण वो सब जगह मुझे ले गए थे 2010 में। ये सब चीज़ें मैं सब जगह मैं गया था, यहाँ तक कि कुछ सन्यासी जो वृद्ध थे वो बोलते थे भाई हम इतने साल से यहाँ हैं, इतना तो हमने भी नहीं देखा जितना मैंने 6 सप्ताह में देख लिया, 6 सप्ताह का मुझे केवल छुट्टी मिली थी, पर वो भोगी भाई ने ऐसा गाड़ी चलाया फास्ट सब जगह ले गए, सभी जगह पर, लगभग सब जगह पे, 2-3 चोर को छोड़ करके। तो ये 2010 की मेरी ट्रिप मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप थी, जहाँ मैंने अपनी इच्छा पूरी की। स्वामी विवेकानंद ने जहाँ जहाँ अपनी चरण धूली दी है अमेरिका में, वहाँ के जमीन को स्पर्श करना, ये मेरा जो मेरी मन में इच्छा थी पूर्ण हो गई 2010 में। उसके बाद जो गया हूँ केवल वो प्रवचनों के लिए, पर पहली बार जो गया था उसमें ही मेरा मन तृप्त हो गया। फिर दूसरी जो थी यात्रा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती के अवसर पर विश्व के 5 जगहों पर उन्होंने इंडियन कल्चरल डिपार्टमेंट ने ये निश्चित किया कि 5 जगह पर स्वामी विवेकानंद की जयंती भारत सरकार द्वारा मनाई जाएगी। तो उसमें से एक जगह उन्होंने चुनी थी शिकागो, और 5ों जगह के अलग अलग कोऑर्डिनेटर थे, शिकागो के लिए मुझे कोऑर्डिनेटर चुना था। तो फिर मैंने बहुत सारी तैयारी की, सब कौन कौन लोग बोलेंगे, फिर मैंने ये प्रपोजल दिया कि जब शिकागो में ही होना है तो वाई नॉट एट द आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर इतिहास की पुनरावृत्ति हो जाएगी। फिर मैंने दूसरी बात कही, वाई नॉट 11 सितंबर 2013, वो भी वो एग्री हो गए, सब कुछ हो गया था, पर समहाउ दी अदर लास्ट मिनट में कुछ रोड़े आ गए, वो नहीं हो पाया। बट इन द मीनवाइल बहुत जगह से मेरे प्रवचनों के लिए मैंने कमिटमेंट दे दिया था, इसलिए जाना ही पड़ा। बाकी सब जगह गया शिकागो छोड़ करके जाना था शिकागो के लिए, वहाँ नहीं गया, बाकी सब जगह ह्यूस्टन वगैरह सब देखना हुआ। तो ये दूसरी यात्रा। तीसरी यात्रा थी 2015 में, तो आपको मालूम है कि वर्ल्ड पार्लियामेंट रीजन में स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है वर्ल्ड पार्लियामेंट रीजन से, और वर्ल्ड पार्लियामेंट रीजन को जाना जाता है स्वामी विवेकानंद के कारण, उसमें स्वामी विवेकानंद नहीं तो वर्ल्ड पार्लियामेंट रीजन है, और किसी का नाम नहीं। आप जाइए आर्ट इंस्टीट्यूट शिकागो की बिल्डिंग अभी भी वैसी है, वहाँ पर प्लेट में केवल स्वामी विवेकानंद का नाम है कि इस जगह पर स्वामी विवेकानंद ने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका संबोधन करके अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था, और कहीं नहीं है और किसी का नाम नहीं है। तो ये वर्ल्ड पार्लियामेंट रीजन और स्वामी विवेकानंद एक दूसरे से जाने जाते हैं, तो इसलिए ये स्वामी विवेकानंद को हम लोगों ने ये आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में मैंने किया था वो 2015 में। फिर ऐसा हुआ कि 100 साल तक कुछ नहीं हुआ, 1993 में स्वामी विवेकानंद की शिकागो विश्व धर्म सभा की शताब्दी के अवसर पर शिकागो सेंटर द्वारा एक पहल की गई कि उसको फिर से एक पार्लियामेंट ऑफ रीजन की जाए, उसका नाम रखा गया पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रीजन, एक नई कमेटी फॉर्म की, उन्हीं उद्देश्यों को लेकर के उसी वर्ल्ड पार्लियामेंट रीजन को नया नाम दिया पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन। और ऐसा निश्चित किया गया हर 5 साल में किसी न किसी देश में ये पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन होगी, क्योंकि इंटरफेथ हार्मोनी इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इवन नाउ। स्वामी विवेकानंद ने जिस समय कहा था उस समय जितनी समस्या थी आज भी समस्या अभी भी है। तो 1993 में सेकेंड पार्लियामेंट हुई, फिर थर्ड ऑस्ट्रेलिया में हुई, ऐसे सब जगह हुई,
और सिक्स पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, ये हुई थी सॉल्ट लेक सिटी अमेरिका में। तो उसके लिए मुझे निमंत्रण मिला था वहाँ बोलने के लिए, उसके लिए मैं गया था। फिर बाद में और कई जगह पर लेक्चर हुए। उसके बाद में चौथी हुई 2018 में टोरंटो में, सातवीं पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन हुई और वो हुई थी टोरंटो में। तो उसके लिए गया था और लौटते समय फिर से अमेरिका के कई सेंटर में लेक्चर दिए। ये चौथी मेरी अमेरिका की यात्रा। उसके बाद में ये कोरोना नाम का वायरस आ गया राक्षस, उसके कारण कहीं जाना नहीं हुआ। और उसके बीच में जो एट्थ पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, ये होने वाली थी इस बार शिकागो में, बहुत इम्पॉर्टेंट, अगस्त महीने में हो गई। और उसकी पूर्व तैयारी के रूप में जैसे हमने बड़ौदा में 2015 में पार्लियामेंट वर्ल्ड रिलीजन के प्री पार्लियामेंट इवेंट की थी, आप लोगों को याद होगा, प्री पार्लियामेंट इवेंट की थी यहाँ पर। डॉक्टर करण सिंह आए थे, डॉक्टर कलाम तो नहीं आ पाए थे उस जुलाई महीने में, 27 जुलाई को वे गुजर गए, वो वही इनॉग्रेट करने वाले थे। उसके पहले डॉक्टर ये करण सिंह आए थे 9 अगस्त 2015 एज ए प्रीलिमिनरी प्रिपरेशन फॉर द वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन एट सॉल्ट लेक सिटी। उसी प्रकार से टोरंटो में जो वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन, उसकी प्री पार्लियामेंट इवेंट हमने राजकोट में की थी। इसकी प्री पार्लियामेंट इवेंट फिर से हमने राजकोट में की जून महीने में, और चेयरमैन ने खुद ने उसमें पार्टिसिपेट किया। उन्होंने कहा आपको आना ही है अगस्त महीने में, सब तैयारी भी हो चुकी थी, पर सम हाउ द अदर वो मेन इन्विटेशन आया ही नहीं। अभी इसको क्या बोलेंगे, भगवान की कृपा या भगवान की इच्छा, जो भी होगा। तो अब उसके बीच में कितने लोगों को पता पड़ा कि मैं अगस्त महीने में जाने वाला, सब लोग बोले स्वामी जी यहाँ ही है, यहाँ ही है, इतने साल से नहीं आए। तो मैंने कहा कि भाई देखो अभी आना तो हो ही नहीं रहा है। उसके बीच में डेक्सट्रिटी ग्लोबल नाम की संस्था है, आप लोगों को मालूम है, शरद विवेक सागर यहाँ बड़ौदा में भी आए थे, बहुत अच्छा प्रवचन दिया था यंग, उन्होंने 15 साल पहले ये डेक्सट्रिटी ग्लोबल संस्था प्रारंभ की थी। किस लिए कि जो गरीब बच्चे हैं, जो स्कॉलरशिप के कारण, स्कॉलरशिप के अभाव में अमेरिका पढ़ने नहीं जा सकते या हायर एजुकेशन नहीं ले सकते, उनको स्कॉलरशिप दिलवाना। ये शरद सागर मेरे साथ उनका कॉन्टेक्ट फर्स्ट हुआ था 8 साल की उम्र में, मुझे पता नहीं था, उन्होंने मुझे बताया। फिर मैंने तो बोला कि देखो भाई हम लोग सब स्वामी जी समान दिखते हैं, वो चश्मा वश्मा सबका रहता है, कोई दूसरा स्वामी जी होगा मैं कभी छोटे बच्चों को ऑटोग्राफ देता नहीं। उसने बोला नहीं नहीं आपने ऑटोग्राफ दिया था यूथ कन्वेंशन में, आप आए थे छपरा में, तो सभी लोगों को आपने अपनी किताब दी, मेरे को किताब नहीं दी, तो मैं नोटबुक में आपका ऑटोग्राफ लिया। मैं बोला देखिए देखो मैं तो छोटे बच्चों को ऑटोग्राफ देता नहीं हूँ, दूसरा कोई होगा। तुरंत उसने पॉकेट में से बताया अरे बाबा अरे, मैं कुछ बोल नहीं पाया। फिर उसे बोला आपने उस समय बोला था स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ना पड़ेगा, ये कंडीशन है, तब ऑटोग्राफ दिया था। तब से मैंने स्वामी विवेकानंद किताब पढ़ना शुरू किया और उसके बाद मेरे में इतनी शक्ति आई कि मैं वहाँ पर गया टफ यूनिवर्सिटी में, और टफ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के बाद उसकी जो ग्रेजुएशन स्पीच है, इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेज गिवन बाई एनी स्टूडेंट इन द वर्ल्ड, ऐसा उसका इंप्रेशन हुआ। फिर फॉर्ब्स मैगजीन ने 30 बिलो 30 में उसका नाम दिया, रॉकफेलर फाउंडेशन 100 लीडर्स ऑफ द 21st सेंचुरी में उसका नाम दिया, और नोबेल प्राइज कमिटी में ब्रिटेन की क्वीन ने उसको उसमें मेंबर बनाया। फिर प्रेसिडेंट, उस समय के प्रेसिडेंट थे ओबामा, बैरक ओबामा, उन्होंने 2 बार शरद सागर को बुलाया एजुकेशन, अमेरिकन सिस्टम एजुकेशन कैसी हो सकती उसके बारे में सलाह लेने के लिए। एट दैट टाइम हिज एज वॉज ओनली 23 ईयर्स, अभी भी ये 30 ईयर्स के हैं। ये उन्होंने फिर कहा कि मेरे समान कई स्टूडेंट हैं जो मिडिल क्लास से आते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो उन्होंने डेक्सट्रिटी ग्लोबल जो है उसका एक ही काम है, गरीब विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दिलवाना। अभी तक उन्होंने 175 करोड़ रुपीज़ की स्कॉलरशिप दिलवा दी, 175 करोड़, 175 करोड़ रुपया। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है शिकागो में, वो है 14 अक्टूबर इस 2023 में, तो आपको उसमें आना पड़ेगा। तो ये मेन एक इनविटेशन मिला। उसके बाद में और भी कई इनविटेशन आए, ये सब मिला करके फिर तय हुआ कि मैं जाऊंगा 5 अक्टूबर को जाऊंगा।
4 अक्टूबर को जाऊंगा, इसलिए कि पूज्य स्वामी गौतमानंद जी महाराज आए थे 25 सितंबर को, आपको मालूम है, यहाँ गुजरात में आए थे, बड़ौदा में भी आए थे, राजकोट में आए, तो 3 अक्टूबर को उन्होंने प्रस्थान किया। उसके पहले तो मैं जा नहीं सकता था, तो 4 अक्टूबर को गया। वापस मुझे 31 को आना था, क्योंकि 3 तारीख को मेरी टिकट कलकत्ता के लिए बुक हो गई थी, क्योंकि बेलूमठ में हेड्स कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जाना था। तो इसके बीच में ही मेरे जो कुछ भी गेम खेलना था, तो इसीलिए बहुत सारे इन्विटेशन थे। तो 24 दिन में 21 लेक्चर हुए, 21 लेक्चर हुआ आखिरी में। बहुत दौड़ना पड़ा, बहुत दौड़ धूप हुई, और डिस्टेंस भी वहाँ बहुत है। सारे दिन ट्रैवल करो, शाम को लेक्चर, सारे दिन ट्रैवल करो, शाम को लेक्चर, ऐसा करके ये निपटाया। तो वहाँ पर यह जो वेदांत सोसाइटीज़ है, तो स्वामी विवेकानंद ने 1894 में वेदांत सोसाइटी, पहली वेदांत सोसाइटी न्यूयॉर्क में स्थापित की। उनको बोला गया, आपने रामकृष्ण देव के बारे में क्यों सब नहीं कहा? तो उन्होंने कहा, देखो यदि मैं रामकृष्ण देव के बारे में कहता हूँ, लोग बोलते हैं हमारे भी तो क्राइस्ट हैं। तो पर्सनल व्यक्तिगत उन्होंने नहीं कहा, वेदांत वहाँ पर जितने सेंटर हमारे रामकृष्ण मिशन के, सबका नाम वेदांत सोसाइटी है। अभी वहाँ पर 15 सेंटर हैं टोटल अमेरिका में, और वहाँ पर जो आने वाले लोग हैं, कुछ सेंटर में वहाँ के अमेरिकन लोग आते हैं, पर अधिकांश सेंटर में अधिकांश लोग जो आने वाले हैं वो NRI हैं, इंडियन लोग हैं, इंडियन ओरिजिन हैं जो वहाँ सेटल हुए हैं। तो ये एक आपको बता दूं, पहले जैसा होता था आज से 50 साल पहले कि अधिकांश लोग अमेरिका थे, क्योंकि इतने सारे भारतीय लोग उसके बीच में वहाँ गए हैं, तो उनको एक छत्रछाया मिल जाती है कि हमारा इंडिया का ही एक सेंटर है। तो वेदांत सोसाइटी में उनको ये आता है, तो कई इंडियन लोग वहाँ पर जो इंडियन ओरिजिन के हैं, जो वहाँ सेटल हुए हैं, वो ज़्यादा आते हैं। कुछ सेंटर ऐसे हैं जहाँ अमेरिकन लोग भी जाते हैं, उनका परसेंटेज 25 होगा, 25% से 30%, कहीं जगह 20% होगा, कहीं जगह 40% होगा, इतना ही। अधिकांश लोग इंडियन ओरिजिन के। तो ये वेदांत मूवमेंट की मैंने आपको बात की कि आज भी वहाँ पर वेदांत मूवमेंट है। वो स्वामी विवेकानंद का जो चरिश्मा था, वो चरिश्मा तो अभी नहीं है। तो उन्होंने जो उस समय जो एक इम्पैक्ट था, वो इम्पैक्ट जो उन्होंने उस समय बताया था, उसका धीरे 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 इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। और वहाँ पर अमेरिका जा कर के देखा कि वहाँ पर हमारी और उनकी समस्या एक ही है, सब टेंशन में है। बहुत अच्छे से रोड हैं, क्लीननेस बहुत है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी ट्रक, कॉफ़ी का कप भी बहुत बड़ा, सारा दिन कॉफ़ी पीते रहते, काली काली पता नहीं कैसे पीते, इतना बड़ा कॉफ़ी का कप, और दूध भी नहीं कुछ नहीं, भी पीते रहते हैं सारा दिन, और घूमते रहते हैं, और गाड़ी में भी रखते हैं, पीते रहते हैं, बड़ा बड़ा कप, बड़ी बड़ी ट्रक, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, सब कुछ बड़ा बड़ा, परंतु मन में टेंशन। तो अधिकांश जगह पर उन्होंने वही टॉपिक चुना जो यहाँ पर चुना जाता है, कैसे शांति मिले स्ट्रेस मैनेजमेंट अधिकांश, तो वहाँ पर भी है तो हालत वही। दूसरा है कि आज के दिन भी, इवन एज ऑन टुडे, दो चीज मैंने कही, वहाँ पर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, बहुत ही हाईली मटेरियलिस्टिक, पैसे के सिवा कुछ भी उनको सूझता नहीं है, जो वहाँ के अमेरिकन लोग हैं। पर जो हमारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, आश्चर्य की बात है, उन्होंने हमारी इंडियन कल्चर को पकड़ के रखा है। और सभी जगह पर मैंने देखा, वहाँ पर वो मंदिर में वो लोग नियमित रूप से जाते हैं, इवन यंगस्टर्स भी जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा मुझे कुछ लोगों ने, कि आपके यहाँ के यंगस्टर्स जो हैं भारत के, दे आर मोर वेस्टर्न देन द वेस्टर्न स्टूडेंट्स, द इंडियन स्टूडेंट्स आर मोर वेस्टर्न देन द वेस्टर्न स्टूडेंट्स। और मैंने खुद ने देखा, उतना ज़्यादा फैशन नहीं है, व्हाट्सएप बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ तो सोशल मीडिया हम लोग एकदम कमाल कर देंगे, उनके सामने वो हमारे सामने हार जाएंगे, तो हम लोग आगे बढ़ गए अभी वेस्टर्न लोगों से, अभी फॉर गुड और फॉर बैड बट वॉट एवर इट इज़। तो वहाँ पर यह जो वेदांत के बारे में अभी भी दो प्रकार के हैं, कुछ लोग हाईली मटेरियलिस्टिक हैं जो वहाँ के लोग हैं, कुछ जो इंडियन ओरिजिन के हैं उन्होंने अपने इंडियन कल्चर को पकड़े रखा है, उनमें अभी भी स्वामी विवेकानंद के बारे में जानने की बहुत तीव्र आकांक्षा है,
और इसीलिए इतने सारे लेक्चर मुझे देने पड़े, सब जगह पर डिमांड है। तो ये दो प्रकार के करंट एक साथ वहाँ बह रहे हैं और उसका एक कारण यह है कि बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स पैसा होने के बावजूद भी मन में शांति नहीं है और इसके कारण भी वेदांत का अमृत पीने के लिए भी फिर वो लोग फिर से लालायित हुए हैं और इसके कारण भी स्वामी विवेकानंद के पास आ रहे हैं, रामकृष्ण मिशन के पास आ रहे हैं। परंतु हम लोग जैसा यहाँ पर हॉल भरा हुआ है, इतना बड़ा हॉल, ऐसी वहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कैसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप बताइए? भारत जितना देश है उससे 3 गुना बड़ा अमेरिका देश है साइज में और पॉपुलेशन 1/3 है, तो रेशियो हुआ 1:9। तो यहाँ पर 9 लोग आएंगे तो वहाँ 1 लोग आएगा, पक्की बात है। वहाँ यदि 1 आता है तो वहाँ का 1 9 के बराबर है, तब तो इक्वेशन ठीक है। यहाँ 90 आएंगे तो वहाँ 9 आएगा, यहाँ 900 आएंगे तो वहाँ 90 आएंगे। एक साथ 200-250 लोगों को मिलना बहुत मुश्किल, एक तो बहुत ही बिजी रहते हैं और दूसरी बात है वहाँ जो कुछ भी हो सकता है वो संडे को ही हो सकता है। और जितने लोग थे सबने कहा स्वामी जी हमको संडे चाहिए। मैं बोला भाई मैं संडे सारे हफ्ता में 1 आता है, मैं 7 दिन में 7 संडे कैसे निकालूं? सभी लोग संडे चाहते हैं, संडे छोड़ के कुछ होगा नहीं। उनका ये है, ये हस्बैंड वाइफ दोनों को काम करना पड़ता है। अरे यहाँ के लोग बहुत मेहनतू हैं, हमारे इंडियन ओरिजिन के भी बहुत मेहनतू। दूसरा है, दूसरी बात, 60-70 ईयर में भी आपको पताएगा नहीं कि उतनी उम्र की उम्र है, इतनी उम्र में भी बहुत फिट है। हार्ड वर्क करना पड़ता है क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं है। दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी करने जाते हैं, लड़के भी नौकरी करने जाते हैं। यदि 4 सदस्य हैं तो 4 कार रहेगी, 6 सदस्य हैं 6 कार रहेगी, हर एक के लिए अलग अलग कार है क्योंकि पब्लिक सिस्टम नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। और 2-3 घंटा उनको ट्रैवल करके ऑफिस में जाना पड़ता है, तो सुबह 6 बजे निकले, रात को 9 बजे पहुँचते हैं। और बहन लोग भी जाती है तो काम कब करेगी? सैटरडे को सब काम होता है, सैटरडे को रसोई बनाएंगे, वो जो खाना है वो डीप फ्रिज में रखेंगे, रोज़ रात को आकर के उसको माइक्रोवेव ओवन में गर्म करके खाएंगे। और यहाँ हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ सब लाट साहब हैं, हमारा स्टाफ 4th क्लास स्टाफ भी दोपहर का भजन गर्म करके रात को 2 थाली फेंक देता है। हमको बासी भजन देते, फ्रेश चाहिए, जाने दो उनको अमेरिका में पता पड़ेगा। बड़े बड़े लोग जिनकी $1,000,000 उनकी सैलरी है, देर इज नो अदर वे, कब खाना कब पकाएंगे? वो शनिवार को 1 दिन ही मिलता है पकाने का, डीप फ्रिज में रख देते हैं, माइक्रोवेव में गर्म गर्म खाते हैं और बहुत हाईली उनको मेहनत खूब करना पड़ता है। दूसरा एक है, यहाँ पर जितनी जहाँ भी मैं जाता हूँ जितनी बहनें, उनका एक ही प्रॉब्लम है, अच्छी काम वाली मिलती नहीं है, मिलती है तो टिकती नहीं है, सबका एक ही प्रॉब्लम। स्वामी जी बस आप हमको, हमारा दूसरा कुछ टेंशन नहीं है, बस एक काम वाली दे दीजिए, आप जाइए, दूसरा कुछ काम को करना नहीं, आपका लेक्चर भी नहीं सुनना, बस एक काम वाली हमको दे दीजिए। मैं बोला भाई मैं अपनी काम वाली कहाँ से निकालूँ, मेरे पास काम वाली कहाँ से आई? पर ये यहाँ की बहनों की एक ही डिमांड। अच्छा, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि काम वाली नहीं है, न रहेगा बास, 9 बजे की बात सुनी, काम वाली मिलती नहीं है, और काम वाली मिलेगी तो उसकी सैलरी आपकी सैलरी से डबल होगी, तो कैसे कैसे करेंगे आप काम? खुद को काम करना पड़ता है, डिश वॉशिंग, हालांकि हाँ वॉशिंग मशीन रहता है, वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोइए शनिवार को और डिश वॉशिंग कीजिए, जो कुछ सारे हफ्ता का काम सैटरडे को करके सैटरडे इवनिंग को वो लोग जाते हैं वेदांत सोसाइटी में, वहाँ जा करके रात को रहते हैं और रविवार को सुबह प्रवचन होता है, दोपहर को भोजन करके वापस आते हैं, मंडे से फिर से वो मशीनरी शुरू हो जाती है, ये मैकेनिकल उनकी लाइफ है। उसके बीच में इतनी हार्डशिप के बीच में वो लोग रहते हैं, हमको यहाँ से लगता है वो अमेरिका में रहते हैं, जाके देखो तब पता लगता है बेचारे लोग कैसे रहते हैं। तो इतना हार्ड वर्क वो लोग करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों को कमाना पड़ता है, तब जाकर के खर्चा होता है, खर्चा हो, सब कुछ बहुत महंगा है। हम लोग यहाँ पर जो खाते हैं इतना आइटम, वो लोग साल में भी एक बार नहीं खाते होंगे। रोज प्रतिदिन इतना आइटम खाते हैं, उनका लंच में वो थोड़ा सैंडविच ले लिया, लंच हो गया, डिनर में 4-5 आइटम होती है, वो भी मैंने देखा, वो गर्म कर करके खाते हैं, केवल शनिवार को गर्म खाते हैं, बाकी तो फ्रेश खाते हैं, ऐसी हालत है। तो आप लोग दूर के ढोले सुहावने बोले हैं, वो सच, वो बात भी मैं देख करके आया। परंतु
उनका ये जो हार्ड वर्क करने के कारण हेल्थ उनकी बहुत अच्छी, बहनों की हेल्थ बहुत अच्छी है, क्योंकि काम वाली है नहीं, खुद काम करना पड़ता है, डबल काम करना पड़ता है, ट्रिपल काम करना पड़ता है, ऑफिस में जाके ऑफिस का काम करो, घर का पूरा काम करो, रसोई बना। हालांकि ये भी है कि वहाँ पर हस्बैंड भी उसको हेल्प करते हैं, क्योंकि नहीं हेल्प करेंगे तो फिर होगा ही नहीं, इतने छोटे टाइम में सब करना है, तो वो लोग भी हेल्प करते हैं। और बच्चे लोग भी 15 साल की उम्र में अलग हो जाते हैं, घर में नहीं रहते, वो अपना रेंट लो करके ले जाते हैं, अपने सेल्फ डिपेंड हो भी अपना कमाना शुरू कर देते हैं, वो उनका सेल्फ रिलायंस का ये स्पिरिट है। तो जो भी होगा ये वहाँ के लाइफस्टाइल है। और वहाँ पर वेदांत के अमृत को पीने के लिए आज भी लोग लालायित हैं, खास करके हमारे इंडियन ओरिजिन के लोग जो NRIs हैं वहाँ पर, उन्होंने इंडियन कल्चर को पकड़ के रखा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं गया था अभी ये 4 अक्टूबर को मैं राजकोट से रवाना हुआ। उसके अब जो मैंने बताया पूरा का पूरा जो यात्रा है वो रामकृष्ण देव शारदा देवी स्वामी विवेकानंद की कृपा से हुआ है, जितनी चीज़ें हुई है उनकी कृपा से हुई है। पहली बात बता दूं, कितने लोगों ने कहा था हम आपको टिकट भेजेंगे, मैंने कहा भाई मैं इतनी सारी टिकट क्या करूँगा, कोई एक जन भेजो। तो हमारे एक स्टूडेंट है, रामकृष्ण आश्रम में विद्यार्थी मंदिर है, 75 ईयर से चल रहा है, तो वहाँ के एक स्टूडेंट थे, उनका नाम है प्रफुल्ल भाई पटेल। उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई कि वो जब स्टूडेंट थे उन्होंने स्वामी विवेकानंद का संदेश सुना था, उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। फिर उन्होंने सोचा लक्ष्य तो होना चाहिए, तब तो लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। तो उन्होंने लक्ष्य बनाया, मैं अमेरिका जाऊंगा और वहां की डेंटल मार्केट को कैप्चर करूंगा। बचपन में लक्ष्य बनाया और सचमुच में पढ़ाई किए, मेडिकल पढ़े, डेंटिस्ट हुए, अमेरिका में जाके डेंटिस्ट बने। डेंटिस्ट की उन्होंने नौकरी की, नौकरी करने के बाद थोड़ा सा कमाया, फिर उन्होंने खुद की डेंटिस्ट की एक चैम्बर खोल दी। चैम्बर खोलने के बाद एक के बाद एक चेयर बढ़ाते गए और जितने वहाँ के अमेरिकन लोगों को, डॉक्टर लोगों को नौकरी में रखा, एक के बाद एक चेयर बढ़ाते गए। और फिर उन्होंने जितने रिलेटिव उनके, भाई भतीजे भांजे, सबको बोला सबको डेंटिस्ट बनना है और कुछ नहीं आना है, बोले नहीं हमको दूसरा बना, बोले यहाँ आना है तो डेंटिस्ट ही बनना पड़ेगा। तो 19 लोगों को डेंटिस्ट बनाया। कैसे बनाया? उनकी तो उस समय आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उनकी वाइफ पूरा रसोई बना बना रखे, इनको खिलाती थी, उनका पालन करती थी, उनकी फीस पेमेंट होती थी, वो प्रफुल्ल पटेल खुद फीस पेमेंट करते थे। ऐसे करके 19 रिलेटिव को उन्होंने डेंटिस्ट बनाया। अभी पूरे अमेरिका में 200 डेंटिस्ट उनके सेंटर्स हैं, पूरा कैप्चर कर लिया उन्होंने, स्वामी विवेकानंद की बात को संवार करके लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तो ये उन्होंने कब से मेरे को बोले स्वामी जी आइए, मैं बोला भाई हमारी इच्छा से नहीं आ सकते, बीच में तो फिर कोरोना भी आ गया। तो उन्होंने फिर वो मुझे वो बिजनेस क्लास की टिकट भेज दी। मैं बोला भाई मैं हमेशा इकोनॉमी क्लास में जाता हूँ, फिर भी लड़के लोग हमारी बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, आपको तो मालूम है बेलूर मठ में क्वेश्चन आंसर सेशन में एक लड़का खड़ा हो गया और उसमें क्वेश्चन उसमें बोला कि आप लोग इतने लग्जरियस लाइफ लीड करते, क्या यही स्वामी विवेकानंद ने कहा था? फिर मैंने उत्तर दिया भाई इसमें स्वामी विवेकानंद का हाथ नहीं, इसके पीछे माँ शारदा का हाथ है, उन्होंने बोधगया में प्रार्थना की थी इसके कारण हम लोग इतनी मजा कर रहे हैं, और तुम भी आ जाओ यहाँ मजा करने के लिए, तुमको कौन ना बोल रहा है। तो जो भी हो ये हमारी लाइफस्टाइल की ऐसे भी क्रिटिसिज्म हमारा होता रहता है, ऊपर से यदि बिजनेस क्लास में जाऊंगा तो खैर नहीं रहेगी। पर वो माने नहीं, फिर बोले देखिए बस स्वामी जी इसमें मुझे पैसा कुछ नहीं करना है, मेरे पास बहुत पॉइंट इकट्ठे हुए हैं, वो पॉइंट है एयरलाइंस के, वो पॉइंट ऐसे ही बेकार जाएंगे, उसके बदले मैं आपको बिजनेस क्लास की टिकट भेज देता हूँ, करके उन्होंने टिकट भेज दिया। चलो मेरे का ये भी माँ की इच्छा है, आराम से जाओ, और वो आराम से गया थे इसलिए इतने सारे लेक्चर हुए, ये भी बात है, ये भी उन्हीं की इच्छा। तो ये 4 तारीख को राजकोट से निकला, 8 बजे की फ्लाइट थी, तो वहाँ से 5 बजे आश्रम से निकला, वहाँ से अभी नया एयरपोर्ट है, बहुत दूर है, 1.5 घंटे की वहाँ पर रखता है, तो आजकल 2 घंटा पहले जाना पड़ता है, तो 8 बजे की फ्लाइट, 10:30 बजे पहुँच गया बम्बई, फिर वहाँ पर इमिग्रेशन वगैरह सब करते करते रात को 2 बजे फ्लाइट, एग्जैक्ट टाइम पर नॉन स्टॉप फ्लाइट 14 घंटे की एयर इंडिया की, बहुत बढ़िया है, नॉन स्टॉप फ्लाइट सीधी, और वहाँ पर स्टाफ लोग भी बहुत कॉर्डियल हैं। और एयर इंडिया का यह है कि वो हमारा फूड भी इंडियन रहता है, लोग भी इंडियन है, हमारी बात को समझ सकते हैं, हिंदी भी समझ सकते हैं,
और हमारी इंग्लिश भी समझ सकते, हमारी जो इंग्लिश है, हमारी इंग्लिश अलग टाइप की है ना, वो भी समझ सकते हैं, उन लोगों की इंग्लिश भी अलग है फ्रेंच लोगों और बीसी दूसरी एयरलाइंस की, तो वो अच्छा रहता है। तो 14 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट, रात को 2 बजे निकला, सुबह 7:30 बजे नेवार्क, नेवार्क और न्यूयॉर्क अलग अलग है, न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क में ही है, वहाँ से नज़दीक है, नेवार्क से वो न्यू जर्सी पास में पड़ता है, तो नेवार्क एयरपोर्ट पर 7:30 बजे पहुँचा। आपको लगेगा अरे 5 घंटे में अमेरिका पहुँच गए, 5 घंटे में नहीं, 14 घंटे की फ्लाइट है, पर क्योंकि वो वेस्टर्न साइड में है तो यहाँ पर इंडिया में तो शाम के 5 बज गए थे, वहाँ भले मैं शाम को सुबह 7 बजे पहुँच गया, तो ये टाइम हमको मिलता है जाने के समय। 7:30 बजे पहुँचा, डॉक्टर ये प्रफुल्ल भाई पटेल खुद आए, उनका ये आग्रह था कि मैं उनके यहाँ रहूँ, सभी लोग बोले थे हमारे यहाँ रहिए, और वहाँ पर वेदांत सोसाइटी में जगह कम है इसलिए किसी के यहाँ तो रहना था, उनके यहाँ रहे 2 दिन पेंसिल्वेनिया में, और फिर उन्होंने कहा स्वामी जी जहाँ जहाँ आपको जाना है टिकट आप हमको बोल दीजिए, मैं बुक कर दूंगा, मेरे पास पॉइंट बहुत सारे, आपको पैसा खर्चा नहीं है, मेरे को पैसा खर्चा नहीं करें, तो उन्होंने टिकट बुक कर दिया। 7 तारीख को वहाँ से मैं गया सेंट लुइस। अच्छा सेंट लुइस जो गया ये भी ठाकुर की कृपा, ठाकुर माँ स्वामी जी की कृपा। कैसे, जब सबसे पहले ये तय हुआ कि मैं अमेरिका जाऊँगा, मुझे मिला तो मैंने सभी सेंटर्स को ये बताया, इन्फॉर्म किया, तो सबसे पहले मुझे कैनेडा से टोरंटो से स्वामी कृपाकरानंद जी का, कृपामयानंद जी का मैसेज आया, ईमेल आया कि स्वामी जी लास्ट टाइम 2018 में आप पार्लियामेंट रीजन के आए थे, बहुत अच्छा आपने लेक्चर दिया था, फिर से आप आइए, जब आ ही रहे हैं तो अमेरिका से, तो वहाँ से बहुत नज़दीक है टोरंटो, तो आप फिर से लेक्चर के लिए आइए। और उन्होंने ये भी कहा कि संडे होने से अच्छा है, तो संडे तो केवल 4 ही मेरे पास थे, उसमें से एक संडे तो ऑलरेडी सबसे पहले न्यूयॉर्क में हो गया, पहले से तय हो गया। कैसे कि न्यूयॉर्क में जो सर्वप्रियानंद जी हैं उन्होंने सबसे पहले मेरा कॉन्टेक्ट किया, बोले स्वामी जी रविवार को 22 अक्टूबर को दुर्गा पूजा है, तो हमारे यहाँ दुर्गा पूजा शॉर्ट होती है, पट में होती, चित्र में होती, जैसे यहाँ होती इसी प्रकार की, वहाँ हवन वगैरह नहीं होता, तो बोले 8:30 से 10:30 मेरी पूजा चलेगी, फिर 11 से 12 आपका प्रवचन होगा, तो आप आएंगे तो दुर्गा पूजा के समय बहुत अच्छा रहेगा। तो ये 22 अक्टूबर ऑलरेडी बुक हो गई थी, 29 अक्टूबर को लॉन्ग आइलैंड में बाद में बुक हुआ, पर उस 29 तारीख को कहीं दूसरा जाना संभव नहीं था क्योंकि 30 तारीख को मॉर्निंग की फ्लाइट थी, फिर 15 तारीख को शिकागो में ऑलरेडी तय हो गया था, तो एक ही संडे बचा 8 तारीख का, तो 8 तारीख को मैंने सोचा ठीक है टोरंटो में लेक्चर होगा, सब कुछ हो गया, उन्होंने तय कर लिया, फिर उनको पता पड़ा कैनेडा में, तो बहुत लोगों ने किया हमारे यहाँ भी आइए, हमारे यहाँ भी आइए, वहाँ पर लंदन नाम की जगह है अलग, टोरंटो से 1 घंटे का रास्ता है, वहाँ भी लंदन है कनाडा में, उन्होंने कहा हमारे यहाँ भी एक प्राइवेट सेंटर है वहाँ भी आइए, फिर वैनकूवर में उनकी पेदान सोसाइटी बोले हमारे यहाँ भी आइए, अभी उसमें झगड़ा हो गया कहाँ जाए कहाँ नहीं, सब झगड़े सब समाप्त, क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट ने मेरे को वीसा ही नहीं दिया प्रॉब्लम सॉल्व, किसको मैं प्रसन्न करूँ किसको दुखी करूँ, तो कनाडा गवर्नमेंट ने मेरी बात समझ ली सब के, वो वीसा ही नहीं दिया, अरे उसका वीसा अमेरिका से बहुत सस्ता है बहुत इजी है ऐसा बोलते हैं, अमेरिका का वीसा 10 साल का मिल गया, फिर से एक्सटेंशन मिला और इसका वीसा कैंसिल हो गया, तो ये भगवान की कृपा। अब वो कैंसिल हुआ उसके कारण मेरी जो इच्छा थी कि पिछले वर्ष में 2018 में जब गया था तो स्वामी चेतनानंद जी महाराज का मुझे सत्संग लाभ हुआ था, वो इस बार इतना टाइट शेड्यूल हुआ नहीं हो पाया था, तो उनको मैंने लिखा है अभी कैनेडा मेरा ये कैंसिल हुआ है तो मैं आना चाहता हूँ सेंट लुइस, उन्होंने तुरंत उत्तर दिया जरूर से आओ पर रविवार को आने से अच्छा रहेगा, तो अभी आने तुरंत बाद अभी मेरा जेटलेग भी समाप्त नहीं हुआ था, 5 तारीख को पहुंचा और 7 तारीख को निकला सेंट लुइस के लिए प्लेन में फ्लाइट में, रात को 10-11 बजे पहुंचा, दूसरे दिन सुबह 11 बजे 8 तारीख को रविवार को प्रवचन, और फिर वहाँ से वहाँ पर रहा 3-4 दिन, 10 तारीख को और एक प्रवचन और चेतनानंद जी महाराज के साथ बहुत आनंद आया। तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा बताना शुरू कर दूं, ये है वहाँ पर सेंट लुइस का वेदांत सोसाइटी, तो वेदांत सोसाइटी में 2 मकान हैं उनके, एक गेस्ट हाउस है जहाँ बाहर के लोग बेस्ट भी रहते हैं और एक है मेन बिल्डिंग जो पहले से थी उसमें मॉन्क्स रहते हैं साधु लोग रहते हैं और साथ में श्राइन भी है और बड़ा हॉल है जहाँ पर कि प्रवचन होता है और लाइब्रेरी भी है, तो ये 2 जगह पर 2 बिल्डिंग है। तो स्वामी चेतनानंद जी महाराज
के साथ बहुत मजा आया। स्वामी चेतनानंद जी महाराज, उनकी उम्र है 89 ईयर्स ओनली, 89 ईयर्स। अभी 6 महीना पहले उनको स्टेंट बैठाया गया है, थोड़ा सा उनको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था तो एंजियोग्राफी हुआ, एंजियोप्लास्ट हुआ, स्टेंट बैठाया गया था। उसके बावजूद उन्होंने मुझे खुद कहा, रोज मैं 10 घंटा किताब लिखता हूँ, 10 आवर्स एज ऑन टुडे। और आपने उनकी किताब बुक स्टॉल में देख लीजिए, कितनी सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं, दे लिव विद गॉड, गॉड लिव विद देम, हाउ टू लिव विद गॉड, बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं। और खास करके 2 किताबें जिसमें कि श्री रामकृष्ण हैज डिवाइन प्ले एंड श्री शारदा देवी एंड हर डिवाइन प्ले। और सबसे ज़्यादा चेतनानंद जी फेमस हुए उनके एक बंगला में किताब के कारण, प्राचीन साधु देर कथा, क्योंकि उनको इतना यह मिला था स्पेशल प्रिविलेज बहुत सारे वरिष्ठ सन्या के साथ संपर्क में आने का था, वो सब बातें उन्होंने वहाँ पर कही है। तो प्राचीन साधु देर कथा, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया अभी, दी स्टोरी ऑफ वेदांत मॉन्क्स, बहुत बढ़िया। तो उनके साथ पुराने बातें सब मिली, पुराने वरिष्ठ साधुओं के साथ की बहुत सुंदर सुंदर बातें हुई, एक बहुत बढ़िया सत्संग हुआ। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरी ये 5वीं अमेरिकन यात्रा का सबसे बड़ी उपलब्धि हुई तो ये सेंट लुइस में स्वामी चेतनानंद जी महाराज के साथ जो उनकी बातें सुनी, उनका जो सत्संग प्राप्त हुआ, वहाँ पर रेलिक्स है उसका दर्शन हुआ, उनका स्पर्श हुआ, इतना सुंदर। भले प्रवचन हुए 1-8 तारीख को सुबह हुआ, हैप्पीनेस एंड पीस इन एवरीडे लाइफ, और 10 तारीख को हुआ माइंड मेडिसिन एंड मेडिटेशन। वहाँ पर की एक बात बताता हूँ, एक मुझे भक्त मिले, उनका नाम है डॉक्टर पेट, वो अचानक मिल गए। उन्होंने कहा कि मैं स्वामी चेतनानंद जी का, जब मैं फिजिशियन था, अभी तो मैं रिटायर हो गया हूँ, तो उनको माँ शारदा पर बड़ी श्रद्धा। मैंने कहा इतनी श्रद्धा कैसे आई, बोले मैं 10 साल का था तो मेरी जो विमाता थी, स्टेप मदर थी, मुझे बहुत परेशान करती थी, मुझे को बहुत हैरास करती थी, और वो ड्रिंक भी बहुत करती थी, तो इसलिए मेरे को मदरली कोई लव मिला नहीं, पर माँ शारदा का जीवन पढ़ा तो उनसे मुझे इतना प्रेम मिला, तो कोई भी बात होती मैं आप शारदा को बात कर लेता हूँ, माँ शारदा से बात करता हूँ, इतनी मैं उनकी भक्ति से। रिटायर्ड हो गए हैं डॉक्टर पैट, अमेरिकन है, पर उनकी भक्ति माँ शारदा के प्रति। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि वहाँ के अमेरिकन लोगों में भी ठाकुर माँ स्वामी जी के प्रति जो भक्ति देख करके, भले कम लोग हैं, क्वांटिटी कम है, पर उनकी भक्ति भी देख करके बहुत प्रसन्न हुआ। और कई वहाँ इंडियन ओरिजिन के तो आए ही थे। तो ये लेक्चर के पहले का यह है, शाम को हम लोग घूम रहे थे, तब का ये राइट हैंड साइड में हम लोग रात को शाम को घूम रहे थे, उस समय फ़ोटो लिया गया है, और ये प्रवचन के पहले का फ़ोटो है। ये लेक्चर हुआ था वेदांत सोसाइटी ऑफ सेंट लुइस में, 8 अक्टूबर को हैप्पीनेस एंड पीस इन एवरीडे लाइफ, 10 अक्टूबर को माइंड मेडिसिन एंड मेडिटेशन। फिर उसके बाद में वहाँ से मैं 12 तारीख को चला गया शिकागो। शिकागो में वहाँ पर हमारे एक भक्त हैं, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी आप सत्संग कीजिए, तो 12 तारीख को शाम को उनके यहाँ सत्संग हुआ, उन यहाँ भी 15-20 लोग आए। फिर 13 तारीख को सुबह, 13 तारीख को शाम को एक और भक्त ने कहा हमारे यहाँ भी सत्संग कीजिए, वहाँ भी सत्संग हुआ। तो 13 तारीख को सुबह, 13 अक्टूबर सुबह मेरे पास कुछ टाइम था, उसका मैंने एडवांटेज लिया। जब जब मैं शिकागो जाता हूँ अवश्य आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में जाता हूँ, क्योंकि इस आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने इतना ऐतिहासिक प्रवचन दिया था। ये सीढ़ियाँ आप जो देख रहे हैं, ये सीढ़ियाँ अभी भी वही है, और बाहर का जो बिल्डिंग है सेम शेप है, सेम बिल्डिंग है, पर भीतर का चेंज हो गया है। भीतर में फर्स्ट फ्लोर नहीं था, भीतर में क्या था कि एक 2 हॉल थे, एक कोलंबस हॉल, एक वाशिंगटन हॉल, उसको छोटा करके फुलर्टन हॉल किया गया है। कोलंबस हॉल में स्वामी जी ने प्रवचन दिया था, उसको फुलर्टन हॉल किया गया है, और ये बीच की जो सीढ़ी है ऊपर जा करती है, उसमें इंटरनेशनल म्यूजियम उन्होंने बनाया है। तो अभी अंदर का तो पूरा चेंज हो गया, पर बाहर की बिल्डिंग इसी स्टेप पर चढ़ करके स्वामी विवेकानंद चढ़े थे, ये उसकी ऐतिहासिक, इसलिए इसी स्टेप पर मैंने भी खड़े रह करके उस क्षण का मैंने आनंद लिया कि हाँ स्वामी जी यहाँ खड़े होंगे। अभी ये फुलर्टन जो हॉल है उसका स्टेज इस तरफ है, पर इस स्टेज पर स्वामी विवेकानंद इस जगह स्टेज नहीं था, स्टेज दूसरी दिशा में था। ये तो फुलर्टन हॉल का स्टेज है, ये स्वामी जी जब कहा उल्टी दिशा में था, उस समय गैलरी भी थी, गैलरी भी उन्होंने दूर कर दी। आप पुराना फोटो देखिए कोई किताब में तो आपको मिलेगा, शिका वो जो आर्ट
यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में कोलंबस हॉल का जो फोटो है, तीनों तरफ आपको गैलरी मिलेगी और राइट हैंड साइड में वो स्टेज है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है। आप जाते हैं तो अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ था। यहां पर देखिए जो बोर्ड है उसमें लिखा हुआ है सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ये प्लेट उन्होंने लगाई है, आर्चबिशप शिकागो की अथॉरिटी ने, अमेरिकन गवर्नमेंट ने लगाई है। नीचे क्या लिखा है कि हियर इन दिस प्लेस स्वामी विवेकानंद डिलीवर्ड हिज स्पीच एंड ही स्टार्टेड हिज स्पीच बाय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये उन्होंने मेमोरी वहां पर रखी है, जो फुलरटन हॉल है उसके ठीक सामने, तो वहां पर बैठ करके भी मैंने अपना आनंद लिया। और यहां जो मैं बैठा हूं, ये जो मैं बैठा हूं, दिस इज द स्पॉट वेयर स्वामी विवेकानंद वुड हैव सेट। कैसे? तो मैंने पुराने मैप मंगाए। पुराने मैप कैसे थे? तो पुराने मैप में देखा कि पुरानी सीढ़ी नहीं थी, दो हॉल थे, तो हॉल के बीच की जो दीवार है उसको आप दूर कर दीजिए, तो वहां तक कोलंबस हॉल था राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आखिर तक था, बहुत बड़ा हॉल था। तो वहां से आप शुरू करके थोड़े डिस्टेंस पर वहां सब लोग बैठे हुए थे, स्टेज था, तो कौन सी जगह स्वामी विवेकानंद बैठे थे वो लेकर करके मैंने बोला दिस माइट बी द स्पॉट। ये हमने प्रिज्यूम किया इसी जगह पर स्वामी विवेकानंद बैठे होंगे या यहीं खड़े होकर के उन्होंने प्रवचन दिया था, ये सब हमने उस समय इमेजिन किया। फिर वो जो 13 तारीख का तो मेरा जो अनुभव था अद्भुत रहा। 13 तारीख को शाम को और एक जगह पर डिवोटी का सत्संग हुआ। 14 तारीख को ये ओवरसीज मीटअप एंड रिट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ डेक्सटिटी ग्लोबल, जिसकी बात मैंने कही, शरद विवेक सागर, उन्होंने मुझे बुलाया था। तो वहाँ पर सारे नॉर्थ अमेरिका के जितने सेलेक्टेड डेक्सट्राइट थे, डेक्सट्राइट माने जिनको डेक्सटिटी ग्लोबल ने स्कॉलरशिप दिलवाई थी, और नॉर्थ अमेरिका की विभिन्न यूनिवर्सिटी में, चाहे हार्वर्ड हो, चाहे टफ यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्टैन, ये सब जितनी यूनिवर्सिटी नॉर्थ अमेरिका की है, बॉस्टन यूनिवर्सिटी हो, वहाँ जो पढ़ते हैं उनके स्टूडेंट सब आए थे। तो उनके पास प्रवचन हुआ 14th मॉर्निंग को। फिर 14th शाम को ईशात्माने जी ने शिकागो में उन्होंने मेरा प्रवचन रखा था। ये जो है, ये बिल्डिंग है, उसका नाम है होम ऑफ हार्मोनी, विवेकानंद वेदांत सोसाइटी ऑफ शिकागो। तो विवेकानंद वेदांत सोसाइटी ऑफ शिकागो तो बहुत पुराना है, तो पुरानी बिल्डिंग तो 2-3 जगह पर बिल्डिंग चेंज हुई। पुरानी बिल्डिंग थी वो लंदन, वो प्रॉपर शिकागो में थी, उसको बेच करके अभी होमर ग्लेन नाम की जगह है जो शिकागो से दूर है, पर बहुत सुंदर जगह है, पर शहर से दूर है, तो बहुत सुंदर वो जगह तो है। तो अभी क्या प्रॉब्लम क्या होता है कि भक्त लोग उतना आ नहीं सकते हैं। तो ईशात्मान जी ने देखा इनका ये प्रॉब्लम है, और वहाँ पर क्यों वो पुराना जो बिल्डिंग था एकदम डाउनटाउन में था, क्यों उसको दूर किया गया? एक ही प्रॉब्लम, पार्किंग का प्रॉब्लम, पार्किंग ही नहीं मिलता था वहाँ, इतनी वहाँ कंजेशन था। तो अभी इन्होंने क्या किया, स्वामी ईशात्मान जी ने, वहाँ पर क्या है, चर्च सब बिक रहे हैं, सब चर्च बिक रहे हैं, कोई चर्च में आता ही नहीं, करेंगे क्या, इनकम ही नहीं होती है, सब चर्च वो लोग बेच रहे हैं। कितने सारे चर्च, कुछ स्वामीनारायण लोग ले रहे हैं, कुछ हम लोग ले रहे हैं, कुछ हिंदू वाले लेते हैं, कुछ हिंदू वहाँ पर मंदिर बन रहे हैं, चर्च में कोई आता नहीं है। ये अमेरिकन यूथ कोई चर्च में या उसमें इंटरेस्टेड नहीं है चर्च जाने में, ये प्रॉब्लम हो गया। हम मुझे याद आती है, मैं बेलूर मठ में था, एक सीनियर स्वामी जी आए थे, मुझे एक जोक बता रहे थे, बहुत साल पहले की बात, बोले देखो मेरे पास एक क्रिश्चियन फादर आया, बोले हाउ डू यू गेट सो मेनी पीपल इन वेदांत सोसाइटी, वी आर नॉट गेटिंग एनीबॉडी इन द चर्च, वी हैव ट्राइड ऑल मेथड्स, वी हैव ट्राइड कल्चरल प्रोग्राम्स, वी हैव ट्राइड डांसिंग, वी हैव सिंगिंग, नाइस फूड, एवरीथिंग वी आर गिविंग, एंड येट दे आर नॉट कमिंग टू चर्च। तो हमारे स्वामी जी चूट के लिए, वाई नॉट ट्राई रिलीजन, सब तो देते हो, थोड़ा सा धर्म भी देना शुरू करो, अच्छा धर्म मिलेगा जो कॉन्क्रीट, केवल थोड़ा सा बात बता दिया, वो थोड़ा पढ़ के सुना दिया, जो कॉन्क्रीट उनको मिलेगा तब तो आएंगे। यहाँ वेदांत सोसाइटी में उनको कॉन्क्रीट स्पिरिचुअलिटी मिलती है, इसलिए आते। तो जो भी होगा, तो ये चर्च जो बिक रहे हैं उसमें से एक चर्च सस्ते में मिल रहा था, तो ईशात्मान जी ने खरीद लिया उसको 2 साल पहले, खरीद करके उसका नाम दे दिया होम ऑफ हार्मोनी। किसी को बुरा नहीं लगेगा, उसमें क्रिश्चियनिटी का फोटो है, क्राइस्ट का भी फोटो है, सभी सिंबल है वर्ल्ड रिलीजन के, होम ऑफ हार्मोनी विवेकानंद वेदांत सोसाइटी ऑफ शिकागो, बहुत सुंदर है बनाया है, वो सिटी से बहुत नज़दीक है, लोगों को आने में बहुत सुविधा है, तो धीरे धीरे वहाँ पर अभी पॉपुलर हो रहा है वो। तो वहाँ मेरा लेक्चर था, और ये रामकृष्ण देव की बहुत सुंदर मूर्ति आप देखिए, कितनी सुंदर खड़े हैं ऐसा करके,
ये भी उन्होंने वहाँ पर मंदिर में उन्होंने ये वहाँ पर जितने मंदिर है ना ऐसे होते चर्च के समान, ये बेंचेस रहती है वो बेंचेस में जैसे चर्च में रहती है ऐसे यहाँ पर बैठते हैं, यहीं पर प्रवचन भी होता है वहीं पर मंदिर टाइप का भी है। तो ये रामकृष्ण देव का बहुत सुंदर वहाँ पर उन्होंने ये पोर्ट्रेट लगाया है और यहीं पर होम ऑफ हारमोनी में मेरा प्रवचन हुआ था। वहाँ देखिए ठाकुर माँ स्वामी जी की फोटो भी है, वो श्राइन में है, एक दूसरा श्राइन भी है, ये तो बड़ा हॉल हुआ, दूसरा एक श्राइन है जिसमें ठाकुर माँ स्वामी जी की फोटो है, माँ काली का भी फोटो है। और वहीं पर इसी हॉल में मेरा प्रवचन हुआ, टॉपिक रखा था स्वामी विवेकानंद इन गुजरात। तो मैंने फॉर इसी प्रकार से अभी जैसे आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ ऐसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बताया। अब जितने लोग हैं बोले हमको आना है गुजरात, सब कितने लोग अब ईमेल दे रहे हैं हमको गुजरात आना है गुजरात आना है। इतना स्वामी जी वहाँ पर रहे किसी को पता ही नहीं था कितना ज़्यादा स्वामी जी रहे, इतनी जगह पर मेमोरियल बन गए हैं बड़ौदा में लिमडी में पोरबंदर में, ये कुछ उनको पता नहीं था, ये सब उनको बताया। फिर बाद में ये होम ऑफ हारमोनी लेक्चर डिलीवर्ड ऑन स्वामी विवेकानंद गुजरात ये पोडियम है। फिर 15th मॉर्निंग को एनुअल फॉल बैंक्वेट इवेंट ऑफ विवेकानंद वेदांत सोसाइटी ऑफ शिकागो। वहाँ पर क्या है कि डोनेशन तो कलेक्ट करना पड़ता है, तो वहाँ पर एक वहाँ प्रथा है अमेरिका में, हमारे यहाँ 31 मार्च को एंडिंग होता है फाइनेंशियल ईयर, वहाँ 31 दिसंबर को होता है, तो उसके पहले डोनेशन के चेक लिखते हैं वो लोग, क्यों उनको टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा इसलिए। तो ये लोग क्या करते हैं अक्टूबर या नवंबर में फॉल बैंक्वेट इवेंट बनाते हैं किसी होटल में या किसी बड़ी जगह पर ये बनाते हैं। आप देखे होंगे ये सब डाइनिंग टेबल है, टेबल के चारों ओर सब लोग बैठे हैं खाते रहते हैं और प्रोग्राम देखते रहते हैं। वो अभी हमारे यहाँ तो बाकी सब जगह तो डांस वगैरह सब होता रहता है पर यहाँ पर हमारे केवल भजन वगैरह होते हैं, डेकोरम उन्होंने बना के रखा है। तो ये आप देख लीजिए इस प्रकार से हॉल में 200-250 लोग आते हैं, किस लिए आते हैं उनको मालूम ही है कि डोनेशन देना है इसलिए आ रहे हैं, एनुअल फॉल बैंक्वेट इवेंट है डोनेशन देने के लिए। और बीच बीच में जैसे गाना हुआ एक भजन हुआ उसके बाद में अनाउंस करेंगे वो इनकी तरफ से $10,000 डोनेशन, सब ताली बजाएंगे, फिर आगे थोड़ा अपना खाना खाता रहेंगे और प्रोग्राम चलता रहेगा। तो उसी में हमारे 3 लेक्चर हुए, मेरे सर्वप्रियानंद जी आए थे, ये देखे सबसे लेफ्ट में सर्वप्रियानंद जी, उसके बाजू में है स्वामी ईशात्मानंद जी और उसके बाजू में, और यहाँ पर जो है लाइट राइट हैंड साइड में वो केकाशन बसु। केकाकाशन बसु शी इज़ ए सेलिब्रिटी, अभी यंग उम्र में है, अभी ग्रेजुएट भी नहीं हुई है, एनवायरनमेंट में सारे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया, उसने ग्रीन होप नाम की संस्था शुरू की है, उसको हमने ऑनलाइन उनका लेक्चर भी हमने वर्ल्ड पार्लियामेंट रीजन में जो प्री पार्लियामेंट इवेंट में उसका रखा था, अभी पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रीजन में ट्रस्टी बन गई इतनी कम उम्र में, तो उसका भी लेक्चर उस समय था, उसको मेरे द्वारा सम्मानित भी किया गया स्टेज पर। ये है केकाकाशन बसु, इंडियन है पर सेटल्ड इन अमेरिका सेटल्ड इन कैनेडा, पर अभी वो अमेरिका में ग्रेजुएशन कर रही है। तो ये वेदांत सोसाइटी ऑफ शिकागो में उसी दिन सुबह हम लोग एक साथ थे, स्वामी सर्वप्रियानंद जी आए हुए थे इसी खास इसी इवेंट के लिए बैंकवेट इवेंट के लिए, और फिर ईशात्मानंद जी मेरे बाजू में हैं और ये केकाकाशन बसु है, और ये फॉल बैंकवेट का उन्होंने जो पब्लिसिटी की थी वो है। ये भी लेक्चर एट एनुअल फॉल बैंकवेट इवेंट ऑफ विवेकानंद वेदांत सोसाइटी ऑफ शिकागो, उसी दौरान के लेक्चर है। फिर 15 तारीख को शाम को हम लोग गए यूनिटेरियन चर्च ऑफ हिंसडेल इलिनॉइस, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सभा में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया 11 सितंबर को, और भी कई भाषण दिए, 27 सितंबर तक वर्ल्ड पार्लियामेंट चली, उसके कुछ ही दिनों बाद 15 अक्टूबर को 1893 में इसी चर्च में स्वामी विवेकानंद ने अपना भाषण दिया था। तो इस चर्च की जो अथॉरिटीज हैं उन लोगों ने सोचा कि 130th एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद स्पीच इसको मनाया जाए, देखिए वो लोग भी स्वामी विवेकानंद के भक्त हैं। वहाँ पर एक टेबल है प्लेटफॉर्म पर, जिस टेबल पे जो स्वामी विवेकानंद के समय था उन्होंने स्पर्श किया था वो टेबल अभी तक उन्होंने संभाल कर रखा है, हम लोगों ने उस टेबल को स्पर्श किया, और वो पोडियम है वो पोडियम अभी भी है जहाँ जिसमें से स्वामी विवेकानंद इस पोडियम से बोले थे, जिस प्लेटफॉर्म से बोले थे। और वो जो मिनिस्टर इंचार्ज थी
वो एक लेडी है, उनकी इच्छा थी कि स्वामी विवेकानंद की 130वीं जयंती पर ये उनका लेक्चर जो हुआ था, ये वेदांत सोसाइटी के रामकृष्ण मिशन के सन्यासी लोग आए, तो मैं, सर्वप्रियानंद जी और ईशात्मानंद जी तीन वहाँ पर गए थे। उनके भी तीन लोग थे, छः प्रवचन हुए, तीन उनके, तीन हमारे प्रवचन हुए, और उनके भी बहुत सारे डिवोटी थे, हमारे वेदांत सोसाइटी के बहुत सारे डिवोटी थे, पूरा हॉल भरा हुआ था, बहुत सुंदर प्रवचन, बहुत सुंदर हॉल हुआ, बहुत सुंदर ये प्रोग्राम हुआ। उसके बाद में आखिरी में बड़ी मज़ेदार बात हुई फिर कहा गया कि चलो ग्रुप फोटो लेते हैं, तो ग्रुप फोटो के समय फोटोग्राफर ने कहा मैं बोलूँगा 1-2 और आपको बोलना है स्वामी जी, ऐसा बोलने से आपको हंसेंगे, तो वो फोटो मैं ले लूँगा। तो ये जो मिनिस्टर इन चार्ज थी उनको बहुत मज़ा आ गया, तो जैसे ही फोटोग्राफर ने कहा 1-2 स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, उसको मैंने एक्सटेसी में आ गई, स्वामी जी बोल रही। फिर मैंने देखा ये सुनहरा मौका है, मैंने कहा देखा हमारे यहाँ कोई भी प्रोग्राम पूरा होता है ना तो जय स्वामी विवेकानंद महाराज की जय ऐसा बोलते हैं, ऐसा करके जय भी बुला दिया मैंने तो स्वामी विवेकानंद फिर से 130 साल बाद फिर उनकी जय हो गई इसी यूनिटेरियन, उस समय उसका चर्च ऑफ यूनिटी नाम था, अब यूनिटेरियन चर्च ऑफ हिंसडेल है। ये देखिए इतना बड़ा, सभी लोग, पूरा हॉल भरा हुआ है, वो वहाँ पर पेंस्टॉल है, ये है उनका स्टेज, ये जो टेबल है पास में इसी टेबल, ये टेबल स्वामी विवेकानंद के समय का था, उसको मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ से तो पोडियम से उन्होंने बोला था, उसी पोडियम से हम लोग बोले, और ये जो मैं बोला था फोटो, ये जो लेडी है वो एकदम स्वामी जी करने लग गई आखिरी में, और हम लोग भी हंसे, बाद में जय स्वामी विवेकानंद की जय बताए। फिर ये 15 तारीख हो गई, 16 तारीख को हमारे महेश भाई लाड करके डिवोटी हैं जो यहाँ साउथ गुजरात में ट्राइबल डेवलपमेंट का काम भी शुरू किया है उन्होंने, उन्होंने मुझे पहले ही कहा था कि मुझे कुछ कार्यक्रम वहाँ अमरीका में रखना है, मेरे घर के आसपास में बहुत सारी जगह पर है, पहले भी 2015 में भी ले गए थे, तो वो खुद मुझे शिकागो से ड्राइव करके ले गए, सबसे पहले ले गए सनातन टेम्पल ब्लूमिंगटन में। तो ब्लूमिंगटन में लोग कम आए क्योंकि वो मंडे था, वर्किंग डे में लोग आते नहीं हैं, जितने ऐसे बूढ़े यंग तो कोई था ही नहीं। अब बूढ़े लोगों ने कहा कि हमको तो इंग्लिश नहीं आती है, आप गुजराती में बोलिए, तो वहाँ गुजराती में लेक्चर हुआ, हैप्पीनेस एंड पीस इन एवरीडे लाइफ, आखिरी में गुजराती में लेक्चर हुआ। फिर वहाँ से 17 तारीख को 17th को मॉर्निंग 16 इवनिंग कोई रात को हम लोग 11 बजे पहुँच गए इंडियानापोलिस में रात को रहे, और इंडियानापोलिस में 17th इवनिंग को हिंदू टेम्पल ऑफ सेंट्रल इंडियानापोलिस वहाँ पर लेक्चर हुआ, वहाँ पर काफ़ी लोग आए थे, इवन दो इट वॉज वीक डे काफ़ी लोग वहाँ पर आए, वहाँ ना सब्जेक्ट था स्वामी विवेकानंद एंड प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। ये सभी लेक्चर यूट्यूब में आ गए हैं, आपको मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद में 18th को महेश भाई लाड, उनका जो सिनसिनाटी में रहते हैं वहाँ पर पास में ही उन्होंने एक हॉल किराए पे लिया, नेचर पार्क इवेंट सेंटर फ्लोरेंस केंटुकी, वहाँ पर एक प्रवचन हुआ ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप देखिए सब जगह हैप्पीनेस स्ट्रेस मैनेज यही सब टॉपिक को लोग चाहते हैं। 19 अक्टूबर को मैं पहुँच गया वॉशिंगटन डीसी, ये हमारा वेदांत सोसाइटी ऑफ वॉशिंगटन डीसी है, इट इज़ ए सब सेंटर ऑफ अमर हॉलीवुड सेंटर वेदांत सोसाइटी ऑफ हॉलीवुड, और ये देखिए इतना सुंदर बिल्डिंग है, उन्होंने नया मंदिर बनाया है, ये अभी 5 साल पहले, लास्ट टाइम मैं जब गया था मंदिर नहीं था, दिस वॉज माई 3rd विजिट टू वॉशिंगटन डीसी, 5th विजिट टू अमेरिका। और ये जो सबसे पहले हैं रवि महाराज, उसका संन्यास नाम क्या है किसी को पता है, मैं भूल रहा हूँ, ये रवि महाराज वो प्रबुद्ध भारत में असिस्टेंट एडिटर थे, फिर मैं हूँ, वहाँ ठंड बहुत पड़ रही थी इसलिए वो उन्होंने इंस्टेंटली मुझे खरीद करके दिया एक ये क्या बोलते हैं कोट टाइप का। फिर ये है स्वामी आत्मज्ञानानंद जी, ये आत्मज्ञानानंद जी इसके इंचार्ज हैं, इस वेदांत सोसाइटी के अमेरिकन स्वामी जी हैं, पर बहुत सुंदर बंगला बोलते हैं, बहुत सुंदर हिंदी भी बोल लेते हैं थोड़ा सा, बंगला तो बहुत ही अच्छा बोलते हैं, सम ऑफ दी अदर उनको मैंने इंडियन कल्चर के साथ इतने घुल मिल गए हैं, वेदांत के साथ इतने घुल मिल गए हैं, इन स्पाइट ऑफ बींग अमेरिकन यू विल नॉट फील दैट इज अमेरिकन। और ये भी एक अमेरिकन है ब्रह्मचारी। ये होने के बाद
विधान सेंटर ऑफ ग्रेटर वाशिंगटन में 20 तारीख को प्रवचन हुआ हैप्पीनेस इन पीस। देखिए फिर से हैप्पीनेस इन पीस इन एवरीडे लाइफ, सब जगह एक ही टॉपिक चाहते हैं सभी लोग, हैप्पीनेस इन पीस, हैप्पीनेस इन पीस, हैप्पीनेस इन पीस। अब जब मैं वहां पर जाने वाला था तो राजकोट में हमारे अक्षरधाम जो है स्वामीनारायण के, उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा कि आप वहां अमेरिका जा रहे हैं तो 8 तारीख को वहां पर बहुत बड़ा अक्षरधाम पूरे दुनिया का, रॉबिन्स विला में वहां पर बहुत बड़ा अक्षरधाम खुल रहा है 8 तारीख को, उसमें आप रहिए, सैकड़ों आएंगे, हमारे सब सीनियर स्वामी जी रहेंगे स्वामीनारायण के, दूसरे भी बहुत अहम रहेंगे, बहुत सारे भक्त रहेंगे, आप उसमें रहिए। पर तब तक मेरा सेंट लुइस में 8 तारीख को रविवार को लेक्चर फिक्स हो गया था, पर उनका बहुत आग्रह था इसलिए 23 तारीख को सुबह थोड़ा समय मेरे पास था, 23 तारीख को सुबह मैंने अक्षरधाम की मुलाकात ली। बहुत सुंदर उन्होंने बनाया है, ये अक्षरधाम है, ये वहाँ के अक्षरधाम के इंचार्ज स्वामी जी हैं स्वामीनारायण संप्रदाय के। अभी इस ये पहले आना चाहिए, एक्चुअली वो 23 तारीख को सुबह हुआ, ये 22 आ गया, अभी फिर थोड़ा सा इधर उधर हो गया। 22 तारीख को वेदांता सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क, यहाँ उसके इंचार्ज हैं मिनिस्टर इंचार्ज सर्वप्रियानंद जी, जैसा मैंने बताया था 22 तारीख को दुर्गाष्टमी मना रहे थे तो उन्होंने कहा ये जो बिल्डिंग है वो वेदांत सोसाइटी की बिल्डिंग है। स्वामी विवेकानंद ने 1894 में, ये हमारा पहला सेंटर है, रामकृष्ण मिशन शुरू हुआ 1897 में, वेदांत सोसाइटी न्यूयॉर्क शुरू हुई 1894 में, परंतु ये बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग 3 बार बदली है, अभी प्रेजेंट बिल्डिंग है, बिल्डिंग में ही था। तो ये जो वेदांत सोसाइटी है 22 तारीख को दुर्गा पूजा के अवसर पर ये सर्वप्रियानंद जी बैठे हैं, सर्वप्रियानंद जी, उन्होंने पूजा की 8:30 से 10:30, फिर 11 से 12 मेरा प्रवचन हुआ, फिर बोले टॉपिक क्या रखा जाए, क्योंकि दुर्गा पूजा थी तो मैंने कहा लिविंग दुर्गा, लिविंग दुर्गा मतलब दुर्गा देवी नहीं, लिविंग दुर्गा मैंने माँ शारदा देवी, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने नाम दिया था जयंत दुर्गा, उन्होंने लिखा था महापुरुष महाराज को कि अरे बाबूराम महाराज की माँ का माथा बिगड़ गया है, सिर उसका चला गया है, उनका सिर चकरा गया है, अरे जीवंत दुर्गा को छोड़ करके वो माटी की प्रतिमा में दुर्गा की पूजा करनी चाहती है, ये उन्होंने लिखा था। हालांकि ये बात अलग है, 1901 में उन्होंने माटी की प्रतिमा में दुर्गा देवी की पूजा की बेलूर मठ में, पर संकल्प हुआ माँ शारदा के नाम से और माँ शारदा को सब बुलाया, उनके हाथ से पूजा वगैरह करवाई। तो ये जयंत दुर्गा, तो मैंने जयंत दुर्गा माने जीवंत दुर्गा, लिविंग दुर्गा, इसके ऊपर प्रवचन दिया माँ शारदा देवी पर, लेक्चर डिलीवर्ड ऑन लिविंग दुर्गा। ये है वेदांत सोसाइटी का पल्पिट, ये जैसे मैंने कहा चर्च के समान हॉल रहता है, ये दुर्गा देवी का फोटो है, उसी की पूजा सुबह 8:30 से 10:30 हुई, 11 से 12 में लेक्चर हुआ। उसी दिन शाम को विवेकानंद स्टडी एंड फिलोथ्रॉपिक सेंटर ऑफ न्यूयॉर्क, मिस्टर प्रकाश चक्रवर्ती बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत सारा डोनेशन कलेक्ट करके बांग्लादेश वगैरह कई सेंटर्स को भेजते हैं सेवा कार्य में, अपना बहुत सारा वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इंडिया भी भेजते हैं, यहाँ बड़ौदा में, बड़ौदा में कितने डॉक्टर, 22 डॉक्टर्स को स्कॉलरशिप दिलवाने में उनका हाथ है, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, ये प्रकाश चक्रवर्ती जो कि इनके इंचार्ज हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया विवेकानंद स्टडी फिलोसफी सेंटर ऑफ न्यूयॉर्क। तो बड़ौदा में ऐसे तो कई जगह उन्होंने डॉक्टर लोगों को, ढाका यूनिवर्सिटी में वो सब लोगों को डॉक्टर बनाने के लिए कि वो डॉक्टर बनेंगे तो याद रखेंगे कि स्वामी विवेकानंद ने हमको, ये स्वामी विवेकानंद के प्रति उनका ये रहेगा, अनुग्रत रहेगा कि चलो उनकी कृपा से हमको स्कॉलरशिप मिली थी तो हम डॉक्टर बन करके स्वामी विवेकानंद के कथन के अनुसार लोगों की सेवा करें इस उत्सव। और उन्होंने ये भी कहा स्वामी विवेकानंद का जो किताब पढ़ा होगा उसी को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो इतने अच्छे बड़े भक्त हैं वो प्रकाश चक्रवर्ती, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा था कि आप अमेरिका आ रहे, तो लास्ट टाइम भी 2018 में मेरा लेक्चर हुआ था, फिर से इस बार भी वहाँ पर लेक्चर हुआ। तो पहले आरती हुई, आरती के बाद फिर लेक्चर हुआ, ये वहाँ पर फिर दुर्गा देवी पर ही लेक्चर हुआ। वह सुबह तो लिविंग दुर्गा और शाम को दुर्गा देवी, क्योंकि अष्टमी थी, दुर्गा अष्टमी थी इसलिए दुर्गा देवी पर थोड़ा प्रवचन हुआ और थोड़ा शारदा देवी पर प्रवचन हुआ। 23 तारीख को शाम को विवेकानंद विद्यापीठ वेन न्यू जर्सी, ये न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी आपको बीच में थोड़ी एक टनल में से पार होना पड़ेगा, लिंकन टनल से पार होकर के न्यू जर्सी आ जाएगा। न्यू जर्सी माने गुजरात में आ गए, सब गुजराती से पूरे भरे हुए हैं न्यू जर्सी में। तो न्यू जर्सी में ये विवेकानंद विद्यापीठ, मैं 5 बार अमरीका गया, 5 बार विवेकानंद विद्यापीठ में मेरे लेक्चर हुए,
इसकी हिस्ट्री जानने लायक है। महेंद्र भाई जानी और वंदना बेन जानी, हस्बैंड वाइफ, ये बहुत साल पहले की बात है, करीब 30 साल पहले, वो लोग ने कथामृत का, रामकृष्ण कथामृत का पाठ शुरू किया। तो दोनों बैठते थे और दो चार उनके और भी उनके फ्रेंड्स आते थे। धीरे धीरे 4-5 में से 8-10 हुए। अब वो जब आते थे तो साथ में बच्चे भी आते थे। अब बच्चे धूम मस्ती करते थे, ये तो बेचारे लोग बैठे चुपचाप, पर वो धूम मस्ती वाले नहीं, वो ऐसे चुपचाप नहीं बैठे थे, धूम मस्ती करने वाले। अब ये महेंद्र भाई को बड़ा लगा, उन्होंने वंदना बेन को कहा, अरे तुम इनको ले जाओ बास के कमरे में, ये बहुत परेशान कर रहे हैं, उनको स्टोरी वगैरह सुनाओ, हम अपना कथामृत का पाठ करेंगे, तुम स्टोरी सुनाओ। तो वंदना बेन उनको लेकर के पास के कमरे में गए, इतनी बढ़िया स्टोरी सुनाई, ये बच्चे लोग इतना मजा आया, वो अपने फ्रेंड को लेकर गए, फ्रेंड आएंगे मतलब उनके माँ बाप भी आएंगे, तो माँ बाप यहाँ कथामृत सुन रहे हैं और वो वहाँ स्टोरी सुन रहे हैं। तो बढ़ते गया, 30-40 लोग हो गए। अभी इनका मकान भी इतना छोटा था, दूसरा नया मकान लिया वो भी छोटा पड़ा, फिर किराए का लिया, अभी ये जो बिल्डिंग है बहुत सुंदर उन्होंने बिल्डिंग बनाई है, अभी दूसरी जमीन भी खरीद ली, विवेकानंद विद्यापीठ, इतना सुंदर काम कर रहे हैं। हम लोगों ने बड़ौदा में, आप लोगों को याद होगा, 9th and 10th of August 2013 इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस की थी, 74 वहाँ से विवेकानंद विद्यापीठ से लोग आए थे, इसमें ये सभी स्टूडेंट है विवेकानंद विद्यापीठ के, उनके माँ बाप मिलकर के 74 स्टूडेंट, तो लगभग 25 थे। और यहाँ से फिर मैंने द्वारका, मैंने कंडीशन किया था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आप आएंगे तो आपको द्वारका सोमनाथ सब यात्रा में करा दूंगा। तो वो लोग सब आए थे और यहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इतने सारे लोग, सभी इंडियन ओरिजिन के हैं, पर उनका इंग्लिश आप सुनिए तो अमेरिकन इंग्लिश ही बोलते हैं, परंतु वैदिक चैंटिंग इतना सुंदर करते हैं, हमारे जितने डिवोशनल सॉन्ग आप यहाँ सुनते हैं सब डिवोशनल सॉन्ग वो जानते हैं, इंडियन कल्चर के बारे में जानते हैं, स्वामी विवेकानंद के बारे में, परीक्षा होती है वहाँ पर, हर सैटरडे संडे आते हैं, 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक, आप सुनिए सोचिए 6 साल तक सैटरडे संडे वो लोग अपना टाइम 3 घंटा मिनिमम विवेकानंद विद्यापीठ में बिताएंगे, और ऐसा करेंगे तो मैन मेकिंग एजुकेशन हो गया, होने ही वाला है, ये सभी एक्सलेंट सिटीजन बने हैं, बहुत अच्छा। अभी उसमें से कुछ लोग टीचर बन गए हैं, वो दूसरों को सिखा रहे हैं 30 साल के बाद, सुंदर वहाँ पर कार्यक्रम, इतना सुंदर कार्यक्रम, जब भी मैं जाता हूँ इतना डिसिप्लिन है, सब लोग वाइट ड्रेस पहन के आएंगे, इतना डिसिप्लिन बैठेंगे, इतना सुंदर चैंटिंग होगा, इतने सुंदर भजन होंगे, वहाँ सुंदर मंदिर उन्होंने रखा है, तो पहले सुंदर मंदिर में थोड़ी पूजा हुई, ये सब उन्होंने वेलकम किया, ये उनके वहाँ सब डिवोटेड लोग हैं, और ये जो ग्रुप फोटो लिया गया तो उसमें आप जो देख रहे हैं, मैं जब आया तब बीच में जो देख रहे हैं वो है महेंद्र भाई जानी जिन्होंने शुरू किया, उसके पास में है वो है वंदना बेन, उनकी वाइफ है। ये लेक्चर था वहाँ पर, स्पिरिचुअल क्वेश्चन फॉर अल्टीमेट सक्सेस, 24 तारीख को शाम को जिस परिवार परिवार में मैं रहता था वहाँ पर उन्होंने एक प्रवचन रखा था, उस प्रवचन में परिवार, ये पूरे परिवार के सदस्य हैं, अभी आने वाले हैं यहाँ पर 6 तारीख को आएंगे, वो परिवार कुछ लोग आएंगे। तो ये जो सबसे पहले बैठे हैं ये है महेंद्र भाई जानी, ऑडियंस में जो बैठे हैं सबसे पहले वो है महेंद्र भाई जानी। तो ये उनके घर में परिवार बहुत बड़ा घर है, वहाँ जहाँ मैं रहता था वहीं पर एक बड़ा हॉल है, वहां पर उन्होंने प्रोग्राम मेरा लेक्चर रखा था। ये सत्संग हो रहा है, इनफॉर्मल टॉक, वो इनफॉर्मल टॉक के बदले फॉर्मल टॉक ही हो गया, और उसका नाम था अवतार वरिष्ठ श्री रामकृष्ण देव। तो 40-50 लोग आ गए, उन्होंने तो 15-20 को बुलाया था पर 40-50 लोग आ गए, सब लोग रात को डिनर भी हुआ उन लोग का, और 7 बजे लेकर 10:30-11 बजे तक प्रोग्राम चला, क्वेश्चन आंसर हुआ। 25 तारीख को मैं चला गया वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क, तो बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ श्री सरज, हमको पता नहीं था, उसने सरप्राइज दिया, अचानक सरज सागर वहाँ पर आए वेदांत सोसाइटी में, उस दिन उसका बर्थडे था तो हम लोगों ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया, केक काटा, और सर्वप्रियानंद जी ने उसकी आगता स्वागता की, मैंने उसका इंट्रोडक्शन दिया। तो ये 25 तारीख को मैं वेदांत सोसाइटी में रहा, सर्वप्रियानंद जी के साथ बहुत सारी बातें हुई। फिर 26 तारीख को मैं गया वहाँ से बाई ट्रेन, वहाँ ट्रेन में चला गया बॉस्टन, तो वेदांत सोसाइटी ऑफ बॉस्टन मैसाचुसेट्स, ये बॉस्टन यूनिवर्सिटी के बहुत नज़दीक में हमारा वेदांत सोसाइटी है,
उनका वो सेंटर है, वहाँ त्यागानंद जी मिनिस्टर इंचार्ज हैं, तो वो भी रविवार को लेक्चर रखना चाहते पर रविवार मेरे को मिला नहीं, और 29 तारीख को रविवार था वो बॉस्टन में रहने से, फिर 30 तारीख को सुबह न्यूयॉर्क से जाना बड़ा मुश्किल हो जाता, इसलिए फिर वहाँ पर बॉस्टन में लेक्चर इस बार नहीं हुआ। और 27 तारीख को सुबह बैप्सन कॉलेज ऑफ वेल्सली मैसाचुसेट्स में मेरा प्रवचन हुआ, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मॉडर्न मैनेजमेंट। ये जो बैप्सन कॉलेज है, इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द वर्ल्ड। लास्ट 5 साल से एंटरप्रेन्योरशिप में ये हमेशा पूरे वर्ल्ड में पहला नंबर रहा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में। तो ये बैप्सन कॉलेज बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है, उसमें ये लेक्चर हुआ। ये जितने ऑर्गेनाइजर थे उनके साथ फोटो है, वहाँ पर एक बहुत सुंदर उन्होंने एक स्पॉट बनाया है, ये स्पॉट है वहीं बैप्सन कॉलेज में ही है। फिर 27 तारीख को रात को मैं पहुँच गया वेदांत सोसाइटी ऑफ प्रोविडेंस, रोड आइलैंड में है ये, वहाँ से 1 घंटे का ड्राइव है बॉस्टन से। तो वो हमारे एक गुजराती भक्त हैं, उन्होंने मुझे रिसीव किया था बॉस्टन में, वही मेरे को बॉस्टन विधान सोसाइटी ले गए। फिर वहाँ से रात को हेम्पशायर में उनके घर रहा, 27 तारीख को वही मुझे बैप्सन कॉलेज में ले गए, और बैप्सन कॉलेज से मुझे रात को ले गए विधान सोसाइटी प्रोविडेंस, और मुझे रख करके फिर वो चले गए। ये राइट हैंड साइड में आप बिल्डिंग देख रहे हैं, दैट इज़ द बिल्डिंग ऑफ वेदांत सोसाइटी ऑफ प्रोविडेंस। पहले प्रोविडेंस वॉज अंडर विधान सोसाइटी ऑफ बॉस्टन, नाउ इट इज़ एन इंडिपेंडेंट सेंटर। मेरे बाजू में जो बैठे हैं स्वामी योगात्मानंद जी, ही इज़ द मिनिस्टर इन चार्ज, बहुत मजाक किया है, बहुत मजाक करते हैं। ये लेक्चर ऑन फोर्थ वे ऑफ मैनेजमेंट एट विधान सोसाइटी ऑफ प्रोविडेंस, दिस वॉज ऑन 28th morning। 28th रात को मैं ट्रेन में वहाँ से निकल गया, लेक्चर जैसा मैंने हुआ तुरंत मैं रेलवे स्टेशन में गया, वहाँ से ट्रेन ली, ट्रेन लेकर के रात को पहुँच गया न्यू जर्सी, और 29 तारीख को सुबह 6:30 बजे वहाँ से चला गया लॉन्ग आइलैंड बाई कार। तो लॉन्ग आइलैंड वहाँ से उसका नाम ही लॉन्ग आइलैंड है, बहुत लंबा है आइलैंड, इतना लंबा है और बहुत डिस्टेंस है न्यूयॉर्क से, है न्यूयॉर्क के भीतर में आता है पर लॉन्ग डिस्टेंस। तो ऐसी बात हुई कि लॉन्ग आइलैंड से वापस मैं न्यू जर्सी आता हूँ, और दूसरे दिन मेरा जो फ्लाइट था 30th को मेरी फ्लाइट थी न्यूयॉर्क से JFK एयरपोर्ट। वो एयरपोर्ट लॉन्ग आइलैंड से वहाँ से 1 घंटे का जर्नी है बाई कार, और न्यू जर्सी से 2 घंटा है, और ट्रैफिक आ गया तो मुश्किल। तो इसलिए मैंने क्या सोचा, वो वहाँ से पूरा जितना मैं बैगेज लेकर के लॉन्ग आइलैंड गया। लॉन्ग आइलैंड में गायत्री परिवार की इसके पहले भी मेरे लेक्चर हुए हैं, तो वहाँ पर बच्चों लोगों को बहुत अच्छा संस्कार दे रहे हैं, जैसे विवेकानंद विद्यापीठ में इंडियन कल्चर के ऊपर बहुत संस्कार अच्छा दे रहे हैं, भजन सिखाते हैं, चैंटिंग सिखाते हैं, यहाँ पर भी गायत्री परिवार में भी ये जो बच्चे बैठे हैं इनके लिए मेरा प्रोग्राम हुआ सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ये मैंने उनके साथ बातचीत की, क्वेश्चन आंसर हुआ, बहुत अच्छा हुआ, और एक सेशन हुआ बच्चों के साथ, एक सेशन हुआ पेरेंट्स के साथ, इफेक्टिव पेरेंटिंग। तो मैंने उनके साथ बातचीत की, मैंने कहा कि हमारे पेरेंट्स का ये सब प्रॉब्लम है, बोले हमारा भी यही प्रॉब्लम है। आजकल के बच्चे बात सुनते नहीं हैं, सोशल मीडिया में बिजी रहते हैं, गेम्स देखना चाहते हैं, सेम प्रॉब्लम वहाँ के अमेरिकन पेरेंट्स भी कर रहे हैं, उनका भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन भी सेम दिया जो मैं यहाँ देता हूँ। ये पेरेंट्स बैठे हैं, उनके पेरेंट्स, ये बच्चे हैं उनके पेरेंट्स साथ में ही आते हैं, तो वो अलग बैठते हैं, तो उनको अलग बैठ करके उनके साथ बातचीत की, क्वेश्चन आंसर किया एट गायत्री पर लॉन्ग आइलैंड, लेक्चर ऑन इफेक्टिव पेरेंटिंग फॉर पेरेंट्स। ये जो मेरी बाई और जो दिख रहे हैं वो है प्रवीण भाई कापड़िया, ये टोटल ओवरऑल इंचार्ज है इस, बहुत साल से गायत्री परिवार के बहुत अच्छा काम करते हैं वहीं अमेरिका में रह करके। और दाहिनी ओर है प्रज्ञा बेन, ये उनको टीचिंग करती है, ये इंडियन कल्चर में उनका काफ़ी नॉलेज है और गायत्री मंत्र पढ़ाती है, सब कुछ कराती है। फिर ये हुआ, दिस वॉज 29th morning। 29th evening को एक सत्संग हुआ जिनके यहाँ मैं ठहरा था, उनके यहाँ अपने आप इंस्टेंट सक्सेस में बोला ना, ये जो 21 लेक्चर हुए उसमें 3 तो पार्लर मीटिंग हुई, उसमें से 1 पार्लर मीटिंग ये है। तो बहुत सारे लोग आ गए उनके घर में, तो दोपहर को लंच के बाद विश्राम की बात नहीं है, तुरंत ये लोग सब आना शुरू हो गए। तो ये सत्संग ये हुआ 28 शाम को,
28 को सुबह दो लेक्चर हुए, ये 28 शाम को फिर एक लेक्चर हुआ, फिर 29 को सुबह 6:30 बजे उनके घर से निकला JFK एयरपोर्ट न्यूयॉर्क, और सुबह 6:30 तो फ्लाइट थी 11:30 की, तो 3 घंटा पहले जाना था, बताया इमिग्रेशन वगैरह किया, और वो मेरे पास तो वो बिजनेस क्लास की टिकट थी, तो बढ़िया से वहाँ जो ये लॉन्च रहता है लॉन्च की फैसिलिटी मिली, तो बहुत कंफर्टेबल जर्नी रही। फिर से एयर इंडिया की फ़्लाइट सुबह 11:30 बजे शुरू हुई 30 तारीख को, 31 तारीख को 11:30 बजे 24 घंटे बाद बम्बई पहुंच गई। आप बोलते हैं इतना 24 घंटा लगा है, 14 घंटा, पर जैसे आते समय 14 घंटा लगा, फिर भी 7 घंटे 5 घंटे पहुंच गई, इस बार 14 घंटा पर लगा 24 घंटा आपको लग रहा है। तो दूसरी 11:30 बजे वहाँ पहुँच गए, फिर इमिग्रेशन वगैरह हुआ, कस्टम हुआ, ये सब हो करके फिर शाम को 4 बजे की फ्लाइट थी और 5:30 बजे राजकोट आ गए। ये प्रकाश के 5वीं अमेरिकन यात्रा समाप्त हो गई। थैंक यू वेरी मच। बिना पासपोर्ट वीसा के आपको यात्रा करा दी। हमको तो कितना टिकट खरीदना पड़ा, पासपोर्ट वीसा कितना सारा करना पड़ा, आपको कुछ नहीं, बैठ घर बैठे यहाँ से सब पूरा अमेरिका में। हालांकि वेस्ट कोस्ट इस बार नहीं जा पाया क्योंकि टाइम नहीं था। इसके पहले 2 बार मैं वेस्ट कोस्ट में गया हूँ, कैलिफोर्निया, हॉलीवुड, वहाँ पर हमारे वेदांत सोसाइटी बहुत अच्छा काम कर रही है। वहाँ स्वामी विवेकानंद रहे थे, तुरियानंद जी शांति आश्रम में रहे थे, वो भी देखा था। वहाँ पर एक सेंटर है वेदांत सोसाइटी भी कैलिफोर्निया, उनके पास तो इतने सारे सब सेंटर हैं। ओलिवा में उनके जो पास है 2000 एकड़ जमीन है, 2000 एकर्स जमीन, सबसे बड़ा जमीन उनके पास है ओलिवा में, जो प्राइवेट उनका सब सेंटर है। तो ये लास्ट बात बताता हूँ, पहली बार जब मैं गया था विदेश यात्रा में 2004 में, इतना एक्साइटमेंट था विदेश यात्रा में जाना, कितनी बड़ी बात, वो भी यूरोप में, जहाँ जहाँ स्वामी विवेकानंद गए हैं वहाँ सब टच करना, इतना एक्साइटमेंट था। और करीब 6 हफ्ते की यात्रा थी, उस समय पूरा सब कुछ हुआ था 2004 में, वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट जो 26 जनवरी को ये हुआ था ना भूकंप, उसमें हम लोगों ने रामकृष्ण मिशन की ओर से 20 करोड़ रुपए के खर्चा करके, उस समय की 20 करोड़ हमने 81 स्कूल बिल्डिंग बनाई थी, 6 कॉलोनी बनाई थी, उस समय पोरबंदर में था वहाँ उन्होंने, हमने 37 स्कूल बिल्डिंग बनाई, 3 कॉलोनी बनाई, और स्कूल के अथॉरिटी से बताया कि बिल्डिंग हमारी गिर गई है। अब जनवरी का महीना है, फरवरी मार्च तो प्राइमरी रिलीफ हुआ, जून महीने में स्कूल खुल जाएगी, कहाँ बैठेंगे, पेड़ के नीचे बैठ नहीं सकते, जनवरी फरवरी में तो बैठ गए, पर मैं जून में कैसे बैठेंगे, बरसात होगी, तो हमको जून के पहले बिल्डिंग दे दीजिए। तब हमने एक उपाय बनाया और LNT को हमने वी कॉन्ट्रैक्टेड, उनकी हेल्प से हमने प्री फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी से 81 स्कूल बिल्डिंग में से 37 बिल्डिंग जो हमारी पोरबंदर की वो बनाई। 2 महीने में हमने बिल्डिंग देना शुरू कर दिया, जून महीने से बिल्डिंग शुरू। तो ये सब खबर उनको मिली थी, बोले आपने इतना जल्दी ये डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे किया, तो मैंने बताया, पूरा प्रेजेंटेशन देने के लिए गया था, दैट वॉज माई मेन टॉपिक, वो था कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में। फिर लंदन गया, वहाँ जहाँ जहाँ गए थे स्वामी जी गए, फिर हमारी वेदांत सोसाइटी हॉलैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, उस समय पोरबंदर में मैं था और भोगी भाई वहाँ पर थे, उन्होंने कहा मैं आपको सब जगह घुमाऊँगा, उन्होंने मुझे सब घुमाया था। तो पहली यात्रा करने के बाद इतना आनंद आया, सब कुछ हुआ, स्विट्जरलैंड में जहाँ जहाँ स्वामी जी गए सब कुछ देखा, वहाँ पर मुझे भिक्षा भी मिली खाखरा की, ये सब बातें अभी नहीं बता पा रहा हूँ, परंतु वो रामकृष्ण ज्योत में छपा है। आते समय इतना आनंद था, जाते समय जितना आनंद था, जितना एक्साइटमेंट था, उससे डबल आनंद वापस लौटते समय था। तब मुझे एक बात आई, स्वामी विवेकानंद जब पहली बार अमेरिका गए वापस लौटे, तब किसी ने पूछा था, नाउ दैट यू हैव सीन द लग्जरी ऑफ द अमेरिकन पीपल, ऑफ अमेरिका एंड द वेस्टर्न पीपल, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट इंडिया। तब स्वामी जी ने क्या कहा, इंडिया आई लव्ड बिफोर बट नाउ द वेरी डस्ट ऑफ इंडिया इज होली टू मी, द वेरी प्लेस इज पिलग्रिमेज फॉर मी। उन्होंने कहा कि मैं भारत को प्रेयर करता था अमेरिका जाने के पहले, पर वहाँ की सब देखने के बाद, कल्चर देखने के बाद, अब मुझे लगता है यहाँ की धूल भी पवित्र है, ये महान पुण्य भूमि है भारत,
तो मेरा भारत महान, मुझे भी यही फीलिंग हुई, मैं भारत में वापस आ गया, नथिंग लाइक इंडिया। इतने सारे देश घूमे पर अंतिम में जो यहाँ पर आनंद मिलता है, यहाँ पर जो स्पिरिचुअलिटी, रियल स्पिरिचुअलिटी है, जो भारत, हमारा भारत की जो महानता है, यहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ पर सब फॉर्मल रिलेशनशिप है। मम्मी को भी बोलना पड़ता है मम्मी थैंक यू, यहाँ हम लोग इनफॉर्मल है, हम गाली भी दे देते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बहुत झगड़ा करते हैं, फिर साथ में थेपला खाते हैं, ये हमारे इंडियन कल्चर है, हम लोग कोई माइंड नहीं करते। वहाँ पर तो बहुत एकदम 10 साल तक नो रिलेशनशिप, यदि एक बार आपने कुछ बोल दिया तो। यहाँ हमारी इनफॉर्मल रिलेशनशिप, इंडिया इज इंडिया, मेरा भारत महान। थैंक यू वेरी मच।